गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर कबीर। हाँ, मैं कबीर हूँ। ओके फॉर यू सर, हैप्पी मैरिड लाइफ सर। नैंसी, गुड मॉर्निंग मिस प्रिया। यस, बुके फॉर यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। हे प्रिया, क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रही हो? प्रिया प्रिया, व्हाट इज दिस? पढ़ो। I am jealous of you by Nancy. उसने तुम्हें भी भेज दिया क्या था? प्रिया, वो क्या है ना, I am jealous of you का मतलब मैं तुमसे जल रही हूँ, बस इतना ही है। वो तो जलेगी क्योंकि उसका होने से पहले मैं तुम्हारा हो गया। क्यों, मजाक उड़ा रहे हो? एंगेजमेंट पर कोई इस तरह का बुके भेजता है? I am jealous of you? What is she trying to say? I don't know. हम लोग शादी करने वाले हैं ये सोचकर वो जल रही है क्या? I don't know. तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, वो अपने आप को क्या समझती है? गलती हो गई। ये देखो, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, मेरी तो फ्रेंड तक नहीं है। समझ नहीं आता, तुम्हें बुके भेजना चाहिए था ना, मुझे क्यों भेज रही है? आई डोंट नो। क्या बार बार आई डोंट नो? आई डोंट नो। ओह, तो तुम्हें भी बुके भेजा है? हाँ प्रिया। आई मिस यू। छोड़ो ना प्रिया, ये छोटी सी बात है। आई मिस यू तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? नहीं प्रिया, वो पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो प्रिया प्लीज। आज बुके भेजा है, कल मैसेज करेगी, उसके बाद फेसबुक व्हाट्सएप वीकेंड पार्टी बोलकर घर तक आ जाएगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है कभी, वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। प्रॉमिस, वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी। .. फोन दो। वो किस लिए? दो ना। वो नैंसी तुम्हारी लाइफ से ही नहीं, तुम्हारे फोन से भी डिलीट होनी चाहिए। कबीर, मैं कैसी लग रही हूँ, कहा नहीं? बहुत अच्छी, एकदम मस्त लग रही हो। तुम भी अच्छे लग रहे हो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आखिर ये हो क्या रहा है? आई डोंट नो। ओम शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अरे रुको रुको रुको, आजकल के बच्चे एफबी में लड़की देख के व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेज के स्काइप पे शादी करके ट्विटर पे बच्चा भी पैदा कर लेते हैं। अभी तुम क्यों पुराने जमाने की तरह मंत्र पढ़ रहे हो? पंडित जी, खाना ठंडा हो जाएगा भाई। आले इनको दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम धनम दानम वसवत्र लाभम। अच्छा से खाइएगा। खाइए ना डैडी। हाँ बोलो। अगर ये सगाई अच्छे से हो गई तो मैं मन्नत पूरी करने के लिए तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाऊंगा। अच्छा, हाँ। मन्नत पूरी करनी है? हाँ। अच्छा सुनो, ये ग्रैंड होटल में बैचलर पार्टी मनाएगा। बैचलर पार्टी, वो भी ग्रैंड होटल में? हाँ प्रिया, तुम इतना शौक क्यों हो रही हो? दो दिन में हमारी शादी है, ना रिसेप्शन का ड्रेस सिलेक्ट किया है, ना ही हॉल के डेकोरेशन के बारे में सोचा है। तुमने दाढ़ी तक ट्रिम नहीं की, फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू कबीर? प्लीज प्रिया, लाइफ में ऐसा चांस एक ही बार आता है। लास्ट मिनट पे कैसे प्लान कर सकते हो? नो वे। अगर हम अभी निकलते हैं तो रात में पार्टी करके सुबह तक आ जाएंगे। और अगर तुम लेट हो गए तो? नहीं नहीं, मत जाओ। कोई बात नहीं प्रिया, सोचा पार्टी करके फ्रेंड्स से मिलके एक्स गर्लफ्रेंड को भूलने की कोशिश करूंगा, इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है, जाने दो। माई सिचुएशन इज ऑलवेज मिरेकल। तुम बैचलर पार्टी में जा सकते हो, बट प्लीज ऐसे इंग्लिश मत बोला करो। अरे अरे, क्या हुआ मेरी इंग्लिश को? फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ? ओह, तुमने बताया नहीं तुमने सीबीएसई किया है। कॉर्पोरेशन बाय स्कूल ई सेक्शन। कबीर, हाँ? जाओ यहाँ से। अब जाओ। ओके बाय। बाय। कबीर की इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम सब कुंवारे लड़कों से शराब देते हैं कि उसकी शादी बाद में होगी, उसकी बर्बादी पहले हो जाएगी। कबीर, अभी अपने ग्रुप के लड़कों से मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ए, कहाँ था तू? पार्टी का क्या हुआ? क्या समझ रहा है, ये शादी बोरिंग पार्टी है? ये तो एक बहुत बड़ी इवेंट पार्टी है। अवार्ड फंक्शन में सभी को अवार्ड मिलते हैं ना, वैसे ही जो भी इस पार्टी में आएगा उसे दारू मिलेगी, समझा? अबे यार, तेरी तारीफ कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। मुझे बोलना क्या है? अबे तू अलग किस्म का आदमी है। मैं मानूंगा नहीं। ए बेबी, ए प्रिया को बोलना अपनी गाड़ी की चाबी देने। क्यों, हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी, उसकी गाड़ी बीच में है। हम दोनों ने जाने के लिए ओला बुक किया था, ओला वाला क्या है कि वो प्रिया से चाबी मांगना। एक पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, तेरे जैसे दोस्त ना हो तो ही अच्छा है। ठीक है। हेलो प्रिया, एक मिनट जरा नीचे आना। मैं नहीं आ सकती, बोलो। वो क्या है कि तुम गुड बाय बोल के फ्लाइंग किस दोगी तभी तो मैं जाऊंगा ना। ठीक है, आती हूँ, रुको।
मान गई ना, सुपर पेट्रोल मैं भरवाता हूँ। प्रिया मुझे देखकर खुश हो जाएगी, देख लेना। ए प्रिया, मैं ही कुवारा ग्रुप का एडमिन हूँ। ए हटो पहले। ये मेरा दोस्त भास्कर है। पहचाना नहीं? व्हाट्सएप पे सारे जोक्स मैं ही भेजता हूँ। प्लेजर टू मीट यू। इससे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया है? नहीं प्रिया, वो हम लोगों ने जाने के लिए BMW कार बुक की थी ना, लेकिन वो रास्ते में पंचर हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारी गाड़ी से जाते हैं। हाँ? मेरी कार में तुम लोग अपनी बैचलर्स पार्टी मनाने जाओगे? चांस ही नहीं है। मेरी इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरी जो मदद करोगी, मैं उसे पूरी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा। देखा, इस बार एक शब्द भी इंग्लिश में नहीं बोला। ठीक है, गाड़ी चलाना तो आता है ना? क्या प्रिया, कैसी बात कर रही हो, गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूँ मैं। लाइसेंस तो है ना? हैवी ड्यूटी लाइसेंस है, ट्रक भी चला सकता हूँ। सुनो कबीर, तुम्हारे भरोसे गाड़ी दे रही हूँ, इस लॉरी चलाने वाले को गाड़ी मत देना। कभी नहीं। इस सब का कचरा कर दिया। नैंसी, बाय 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 प्रिया। एक मिनट, पहले बताओ किसका फोन है? कोई नहीं प्रिया। तो फिर मुझसे छुपा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोन दिखाओ। रहने दो प्रिया। फोन दिखाओ। रिसीव करो स्पीकर ऑन करके। अब रहने दो प्रिया। रिसीव करो स्पीकर ऑन करके। हेलो। हे कबीर, अभी अभी तुम्हारे वाले को मैंने फेसबुक पे देखा, वो तो बहुत बचूरा था यार। जेलस में तुम कुछ भी बोलती जा रही हो, मेरी वाली बहुत सुंदर है। ए कबीर, तुमने मुझसे शादी नहीं की कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ी अच्छी दिखने वाली से तो शादी करो। तू अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सामने होती तो तेरा मुंह तोड़ देता। कुछ भी करके ये शादी रोक दो, कैसे फोन उठाने के लिए मैं मना कर रहा था ना, लेकिन तुम ही ने फोर्स किया। वो क्या है ना, मैंने सोचा फोन करेगी तो उठाऊंगा नहीं, इसीलिए मैंने सेव किया था, दूसरे नंबर से फोन किया तो मैंने उठा लिया। इसके आगे उसके बारे में एक शब्द भी कहा ना तो ये शादी कैंसिल। भूल जाऊंगा प्रिया, भूल जाऊंगा। गाड़ी और इसे दोनों को संभाल लूंगा, गारंटी देता हूं। चुप, चल जल्दी। ये नैंसी अपने आप को समझती क्या है, जिससे मेरी शादी होने वाली है उसे पीकर भला बुरा बोलती है। ये नैंसी बहुत अच्छी लड़की है, ये तू भी जानता है, बेचारी अपने बाप की दारू को जीरा सोडा समझकर पी गई होगी, इसमें उसकी क्या गलती है? तुझे दया आ रही है उस पे? फोन कर उसे। हे, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को मैं क्यों फोन करूं? नहीं है यार, मैं नैंसी से बात करता हूं या नहीं ये जानने के लिए प्रिया फोन करेगी, और अगर मेरा फोन बिजी जा रहा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। एक काम करता हूं, शादी रोक देता हूं। अपने मुंह से शुभ शुभ बोलते हैं, प्रिया का फोन स्पीकर पे डाल। सॉरी, मैं नैंसी से बात नहीं कर रहा हूं। कबीर, मैं नैंसी के बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तुम अपनी बैचलर्स पार्टी खत्म करके जल्दी से वापस आ जाओ, ये तुम्हारी लास्ट पार्टी होगी, अपने सारे फ्रेंड्स को बता देना, खास करके उस लॉरी वाले से। तो मेरी बात सुन रहे हो ना, उससे तो तुम दूर ही रहना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कबीर सुन रहे हो ना? ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सुन लिया ना तूने, कह रही है आखिरी पार्टी होगी, तू आज जितना चाहे उतना पी ले, लेकिन आज के बाद अगर तूने दोबारा कभी पीने के लिए भी पूछा, मैं नहीं पूछूंगा और तेरे साथ पीऊंगा भी नहीं। Hey, क्या है ये बैचलर्स पार्टी बोल के इन लोगों के बीच क्यों लाया? समझ नहीं आया ना, मैं तुझे समझाता हूँ। पास्ता और इडली मिक्स करके कभी खाया क्या? नो। अंग्रेजी और देसी दारू कभी मिक्स करके पिए क्या? अरे कभी नहीं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स को कभी एक साथ देखा है क्या? हो ही नहीं सकता। वहाँ देख। Hi dude. Hi dude. Hey Bhaskar, how are you man? Meet my Facebook friend Kunal Sharma. Hey hi. Madhuri Sharma. No. आज इनकी मैरिज का फर्स्ट दिन है, इसीलिए ग्रैंड पार्टी दी है इन्होंने। आज रात हम फोकट की दारू पियेंगे। मेरी बैचलर्स पार्टी और फोकट की दारू कमाल कर दिया तूने। वैसे तेरे बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोला 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 बोला। जन्नत का दूसरा नाम तू है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या है? इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहे हो? तुम लोग लोकल बॉयज हो ना? तो क्या सिटी बॉयज हो? तो फिर कौन हो तुम लोग? सिटी में रहने वालों को सिटी बॉयज बोला जाता है, लोकल में रहने वालों को लोकल बॉय बोला जाता है, लेकिन जो सिटी में लोकल की तरह रहते हैं पता है उन्हें क्या बोलते हैं? लोकल बॉयज। ब्रो, स्टार्स को देख के तेरा दिल क्या कहता है? सच सच बताना, छुपाना मत कुछ। अपने एरिया के होटल की बिरयानी याद आती है,
वो भी सलीम भाई के हाथों से बनी हुई स्टार बिरयानी। क्या मस्त बिरयानी बनाते हैं। अबे जब तू और तेरी फीलिंग ना। ठीक है, तू अब शादी करने जा रहा है, रोमांटिक मूड होगा। तुम्हें क्या याद आता है? ब्रो सच कहूं तो इन स्टार्स को देख के दिल करता है स्टार थिएटर में नाइट शो की 2 सीट कॉर्नर की बुक करो और वहां रोमांटिक फिल्म देखूं। पुरानी याद को अभी तक भूला नहीं तू? अब तो उससे बड़ा घटिया इंसान नहीं देखा। ब्रो नैंसी भी पुरानी यादों को नहीं भूली है। नैंसी, कौन हो तुम? जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तब तुम परी के ड्रेस में क्रिसमस चाचा के साथ डांस करती हुई नजर आती हो। तुम्हारे बगैर मेरा एक दिन भी काटना मुश्किल है। वीकडेज पे स्कूल गेट में इंतजार करूंगा, संडे को चर्च पे इंतजार करूंगा, छुट्टी में तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे दोस्त लोग तुम्हें मेरा कहेंगे, ये बात सुन के मैं पागल ही हो जाऊंगा। नैंसी आई लव यू। नैंसी मेरा नाम अनुष्का है। मैं जिंदगी में कभी चर्च नहीं गई, मैं एक हिंदू हूँ। तुम्हें ये टीका नहीं दिखाई दे रहा है? मेरे ही कॉलेज में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो? रुको अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ और तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ए रुकना, मेरे ऊपर हाथ उठाती है। एक बार मेरे एरिया में आके तो दिखा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी ऐसी की तैसी। देना गाली देना, कितनी बड़ी बेइज्जती है। कोई फील नहीं है, इमोशन नहीं है, बिलो एवरेज, 2 स्टार। एक्टिंग कैसी थी? एथिस। और पंच? 2.5। अबे अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं? क्योंकि अब भी तुझमें थोड़ी इज्जत बची है। अच्छा वो मुंह पे मार के गई इसलिए? जैसे हम प्यार का इजहार करने लायक हो जाएं, लड़कियां पहले मुंह पर मारती हैं, बाद में बिना देखे मारती हैं। कोई रोमांटिक पिक्चर देखा है क्या? हाँ थिएटर में कई बार देखी है। उसमें हीरोइन का चेहरा कितना उदास होता है। तुम भी चेहरा उदास बनाओ और आई लव यू बोल दो। आई लव यू। मैंने तुझे बोला था कि हीरो की तरह बोल और तूने विलेन की तरह बोल दिया, समझ नहीं आता क्या? जरा प्यार से बोल। आई लव यू। ऐसे फील रख, तेरे वाली आने वाली है, बस तू अपने आप को तैयार रख, समझा? ए एक मिनट, उस लड़की का नंबर देना। अबे हट। ए नैंसी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारा नाम कबीर है? नैंसी नाम लेते ही तुम्हारे दिल का गिटार बजने लगता है, हर जगह मुझे फॉलो करते हो, मुझसे वन साइड लव करते हो, यही कहना चाहते हो ना? ए नैंसी, ये सब तुम्हें कैसे पता? अनुष्का ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। वो मेरी फ्रेंड है। ओह माय गॉड। पहले तो ये ओवर एक्टिंग बंद करो, और दूसरी बात मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। पहले सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं। एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद नैंसी, मैंने तुमसे कहा ना मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अच्छा अगर मैं एक बात बोलूं तो हंसोगी? क्या बात है, बोलो। अगर कह दिया तो तुम मुझे बहुत घटिया आदमी समझोगी। वैसे भी तुम्हें घटिया आदमी समझती हूँ, बोलो। वो क्या है ना, चर्च में फादर प्रे के बाद कम्युनियन देते हैं ना। हाँ क्यों? कुछ नहीं, बस बहुत दिनों से उसे खाने का मन कर रहा था। मैं अपने सारे दोस्तों को बोल चुका हूँ, कोई कहता है आज खिलाऊंगा, कोई कहता है कल खिलाऊंगा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खिलाया। लड़कों ने तो नहीं खिलाया, मैंने सोचा शायद किसी लड़की से बोलूं तो वो खिला दे। प्लीज नैंसी खिला दो ना, इसीलिए मैं तुम्हारा हमेशा पीछा करता रहता हूँ। पता है नैंसी, आजकल सपने में भी मुझे वो कम्युनियन नजर आता है, मुझे वो खिला दो ना, मुझे वो कम्युनियन खिला दो नैंसी, प्लीज प्लीज नैंसी। ठीक है मैं तुम्हें कम्युनियन खिलाऊंगी, लेकिन उसके बाद मेरा पीछा नहीं करोगे तुम, ठीक है ना? तुम्हारे 80 साल की दादी की कसम, डील पक्की। जरा पकड़ना इसे। वो क्या है ना, कई दिनों से मुझे कम्युनियन की याद सता रही है, इसलिए मेरी पैंट लूज हो गई। नैंसी 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 थोड़ा यहाँ रुको ना, मैं दुकान जाके एक थैली लेके आता हूँ। कम्युनियन को पार्सल करने के लिए। कम्युनियन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, और वो भी एक ही मिलेगा। चलो एक ही मिलेगा। जीसस का शरीर, आमीन। जीसस का शरीर, आमीन। जीसस का शरीर। ए रुक जा रुक जा, मैंने पढ़ा है कि दायां पैर अगर पहले रखा जाए तो बच्चे संस्कारी पैदा होते हैं, इसलिए तुम दायां पैर आगे बढ़ाओ। सुनो मैं बचपन से इस चर्च में आ रही हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे अंदर आना है। कम्युनियन चाहिए तो चलो, वरना जाने दो। नैंसी नैंसी नैंसी, तुम चाहो तो कूद के चली जाओ, लेकिन मुझे कम्युनियन चाहिए। हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? वो क्या है कि इस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग में आवाज गूंजती है, इस तरह से मैं अपने स्कूल टाइम में किया करता था। नहीं चिल्लाते हैं।
अगर फादर ने तुम्हारा नाम पूछा तो कबीर नहीं। कबीर सुन रहे हो ना, अपना नाम कबीर नहीं, कोई क्रिश्चियन नाम बताना, ठीक है? अगर तुम कहो तो मैं अपना नाम डेविड या जोसेफ बता देता हूँ। डेविड और जोसेफ को तो फादर जानते हैं। हे, अगर तुम कहो तो मैं कोई इंग्लिश नाम बोल दूँ, रोज रात को मैं इंग्लिश फिल्म देखता हूँ। ओके। अगर फादर ने पूछा तुम्हारी बाइबल कहाँ है तो क्या कहोगे? कह दूंगा कि घर पे भूल गया हूँ। अच्छा, एक जरूरी बात, जब तुम आमिन कहोगे तभी फादर कम्युनियन लेंगे। क्या? अमन? अमन नहीं, आमिन। आमिन, आमिन, आमिन। कम्युनियन तुम तो नहीं हो गया? जीसस का शरीर। आमिन। जीसस का शरीर। नमस्ते बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमिन, आमिन, आमिन। जल्दी से कम्युनियन दीजिए फादर। तीन कम्युनियन? एक आमिन कहा तो एक कम्युनियन, तीन कहा तो तीन मिलेंगे ना। बेटा, पहले तुमको यहाँ नहीं देखा मैंने। मैं बगल वाली चर्च में जाता हूँ, वहाँ से बोर हो गया तो यहाँ आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? कबीर, अल्बर्ट कबीर एंस्टीन। एंस्टीन, ये तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, बाइबल की बात बताओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और मैंने बाइबल के बारे में बताने को कुछ कहा? बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे कम्युनियन दे दो फादर, मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ फादर। कुछ स्तोत्रम बोलो। गाना गा के बताऊं? जब से मैंने तुमको देखा सनम, सॉरी सॉरी सॉरी, जीसस जब मुझे बुलाए मैं हमेशा दौड़ा चला आया। ए, ये क्या बाइबल में लिखा है? सॉरी फादर, इस बार ठीक से गाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? गा रहा हूँ, इंतजार कीजिए। जीसस ने मुझे बुलाया, जीसस ने मुझे बुलाया और मैं दौड़ा चला। अकल नहीं है क्या तुम्हें? बाइबल की लाइन पूछी तो फिल्मी डायलॉग मार रहे हो, स्तोत्र गाने को कहा तो फिल्मी गाना गा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सॉरी नैंसी, मैंने ज्यादा कम्युनियन पाने के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। ए, अब मुझे सच बताना, इस कम्युनियन की वजह से तुम मेरा इतने दिन से पीछा कर रहे थे? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें क्यों फॉलो कर रहा था? जिस तरह की लड़की मैं चाहता हूँ उस तरह की तुम नहीं हो। मुंह बंद रखो। ए, नैंसी, नैंसी, नैंसी। क्या है? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ प्लीज? सेल्फी भी चाहिए? स्माइल प्लीज। मारूं क्या? सो गई थी क्या माँ? नहीं बेटी बोल। रात को ड्रिंक करते वक्त उन्होंने मुझसे अंडा वड़ा मांगा, आपको पता है कितना टॉर्चर किया मुझे? एक काम कर, तू चाय की दुकान जा, वहाँ से कड़ा खरीद ले। उसके बाद बनिया की दुकान जा, वहाँ से अंडा खरीद। उसे खरीद के वड़ा के अंदर तू डाल दे, अंडा वड़ा रेडी। अरे माँ, इतनी बड़ी बात तुम फोन पे बता रही हो, फोन का बिल बढ़ जाएगा ना। अरे पागल लड़की, मेरे फोन को PSNL की स्कीम है, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कितना भी बोलो एकदम फ्री है। अरे माँ, अब मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ या PSNL को धन्यवाद कहूँ? सुपर्ब, एक्सीलेंट, मजा आ गया, परफेक्ट, परफेक्ट। सुपर्ब, क्या काम किया है, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी अदा सब बढ़िया था, तुम्हारी ड्रेस तो कमाल है, और लास्ट में डायलॉग क्या बोला था, वाह मजा आ गया। माँ, अब मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ या PSNL को धन्यवाद कहूँ? हंसो। थैंक यू सर। अगले सीन में बहुत अच्छे से रोना है, ठीक है? मेरे परफॉर्मेंस के बारे में? वो मुझसे नहीं, डायरेक्टर से पूछो। इनकी लाइनें भी मैं बोलूं? तू बता ना। बताना, वो मुझसे नहीं तुझसे जानना चाहती है। ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, सारे अवार्ड आप ही को मिलेंगे। मैंने जो तुम्हें बताया वैसे करना। थैंक यू। चलिए यार, चलते हैं यहां से। देखो आगे हमें अब बहुत बड़े बड़े ऐड करने हैं, हमें बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन को साइन करना होगा, ठीक है? क्या है? हाय, हेलो। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? दादा दादी को कुछ हो गया क्या? कहां था रे तू? पिताजी। अरे कहां था तू? पिताजी, सुबह से तो मैं यहीं पे हूँ। अरे वो नहीं, तुम्हारे अंदर का ये टैलेंट इतने दिन तक कहाँ था? उससे पूछ रहे हैं। हाँ, ये सब आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा था ना, एड बहुत अच्छा बना है, फैमिली ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर। लास्ट का जो पंच डायलॉग था ना, उसके लिए तो मुंह मांगा पैसा मिलेगा। क्या बात है सर, दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए। कंपनी का बजट कम है, लाखों की बात छोड़िए सर, हजारों में भी चलेगा। बजट बहुत कम है सर, 5 या 10 बढ़ाकर दे दीजिए सर। सच में बजट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देने वाले? आप दोनों के लिए PSNL सिम कार्ड्स, अगली बार आएंगे तो हम आपका ये सिम कार्ड देकर समझ रहे हैं बहुत बड़ा तीर मार लिया। इस फ्री की सिम के लिए से शुक्रिया अदा करूं या इस फ्री की ऐड के लिए से शुक्रिया अदा करूं? ए, ये कोई कॉन्सेप्ट है? ऊपर से ये सिम कार्ड दे रहा है। ए, पूरी रात अगर माँ बेटी बातें करेंगी तो पिताजी क्या करेंगे? आप उसी स्कीम को लेकर दूसरी औरत से बात करेगा, इट्स अ चेन रिएक्शन, कुछ समझा नहीं ना? कल टीवी वाली को प्रपोज किया था, देखना आज वो वापस आएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ए, वो आएगी। कबीर, हाय। मैंने कहा था ना, चेन रिएक्शन। यार तेरी बातें सुनकर मुझे तुझे कुछ कहना है। कहो 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 कहो। एक लाजवाब लगता है, तुम बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ। ए, हम लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, तुम रुक जाओ, मत जाओ। ए, तू कुछ चुप करना, छोड़ दो मुझे, वाला था ना। लड़की को देखा तो दोस्त को भूल गया। हाय। हाय नैंसी, बिफोर आई एम सो बिजी, सीसी, नाउ आई एम वेरी फ्री, कम ऑन, टेल यू। मैं यहाँ तुमसे कुछ
जरूरी बात करने आई थी, यहाँ बोल दो चलेगा? प्लीज कैरी ऑन। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बहुत पसंद हो, स्पेशली तुम्हारी दाढ़ी बहुत पसंद है। तुम एक ही बार मेरे साथ चर्च आए हो, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ मैं कहो ना नैंसी, प्लीज बोलो ना। कैसे कहूँ, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वाओ, सुपर परफॉर्मेंस। स्टार, फाइव स्टार, फाइव आउट ऑफ फाइव, हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड, थैंक गॉड। वो क्या है ना, कभी मैं नेक्स्ट वीक किसी को प्रपोज करने वाली हूँ, उसी के लिए ट्रायल कर रही थी। तुमने अनुष्का के साथ ट्रायल किया, मैंने तुम्हारे साथ किया, इट्स अ चेन रिएक्शन। ए, ये क्या चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन लगा रखा है, हो क्या रहा है यहाँ? कॉमेडी। ए, मुंह बंद कर। सॉरी, सच में क्यों आई थी अब मैं बताती हूँ, कम। तुम्हारी तरह मेरी भी बचपन से एक ख्वाहिश है। हाँ तो चर्च में जाके एक छोटा सा कम्युनियन ही तो दिलाया, तुम क्या चाहती हो? हाँ, उसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है। फिल्मों में जैसे मछलियाँ पकड़कर पानी में छोड़ते हैं, वही करना चाहती हो? वो सब नहीं, जिस तरह तुम्हें चर्च के कम्युनियन खाने का मन था, वैसे ही मुझे भी मंदिर के हलवा पूड़ी खाने का मन है। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, हमेशा जो तुम्हारे साथ घूमती है, क्या नाम है उसका, अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ मंदिर जाके खा के आओ ना। मैं उसके साथ गई थी, लेकिन वो सारा का सारा प्रसाद खुद ही खा लेती है, मुझे कुछ देती ही नहीं है। लड़कियाँ इस मामले में ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो ना। इसका मतलब तुम्हें हलवा पूरी खाना था, इसलिए तुम मेरे पास आई हो? हाँ, तुम्हारे पीछे आने की कोई और वजह हो ही नहीं सकती, तुम तो एक मामूली लड़के हो ना। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ। आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ, मंदिर का प्रसाद मुझे खिलाओगे या नहीं? हाँ, खिला दूंगा। ओके, तो मेरा नंबर लिखो, 9790990011। ओके, इस दुनिया में भगवान है, मान गया। तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे अनिल कपूर और श्रीदेवी। अरे अरे, हम दोनों को देख के शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अच्छा बेटी जैन से, अरे नहीं नहीं नैंसी, कैसी हो? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बेटी अभी तक ये लड़का इस मंदिर में 40 बार तुम्हारे नाम का फूल चढ़ा चुका है। जी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा बेटे, तुम गलत मत समझना बेटी, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। इसकी पर्सनालिटी में बहुत सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन तुम बहुत ही लकी हो, जो इसने तुमको पसंद किया। इससे पहले कि दिमाग घूमे, जल्दी से शादी कर लो तुम। मुझे किससे शादी करनी है, कब शादी करनी है, मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, ठीक है? कहाँ फंस गई मैं? नैंसी, नैंसी बहुत अच्छा किया। अच्छा तो डायलॉग मेरा ठीक है ना? एकदम जबरदस्त। तो फिर ऐड मेरा कंफर्म 100%। हे भगवान। नैंसी, 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 गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है नैंसी। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं मैं? हाँ, मुझसे मेरी शादी की बात करने के लिए मेरे पापा भी 10 बार सोचेंगे। इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया सॉरी नैंसी। और वो भी तुम्हारा दिल बदलने से पहले मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम क्या बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो? मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ नैंसी। वो क्या है ना, हाई स्कूल के एग्जाम से लेके अब तक पास होने के लिए मैं मन्नत मांगने यहीं आता था। तब से ये पंडित मुझे जानते हैं, मैं सच कह रहा हूँ नैंसी, ये पंडित मेरे फ्रेंड की तरह हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज तुम गलत मत समझो नैंसी, गलत मत समझो नैंसी, प्लीज। अरे कभी, अरे मेरा मतलब अनिल कपूर श्रीदेवी, जल्दी आओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ, देर मत करो। तो तुम्हारे कहने से इन्होंने ये सब कहा था, सही कहा ना? क्यों ऐसा किया तुमने? वो क्या है, आज मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए सोचा था, तो ये सब उसी के लिए कर रहा था। नैंसी, नैंसी, यस। क्या कभी डायलॉग मैंने अच्छा बोला ना? बहुत अच्छा। तो ऐड कंफर्म है ना? 200%। हे भगवान। नैंसी, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो चाहे कितनी भी डरावनी फिल्म क्यों ना हो, मैं अकेले देख सकता हूँ नैंसी। हिम्मत बढ़ जाती है मेरी, हम दोनों शादी करके 11 बच्चे पैदा करके एक अपनी खुद की आईपीएल टीम बना लेंगे नैंसी। मुझे अपनी खुद की आईपीएल टीम बनानी है। क्या बात है, वो पंडित जी जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे फोन की घंटी बजाना भूल गए क्या? हेलो, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मुझे फोन करने में, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना, पक्का बोलो ना। सुन, मैं जो ऐड बना रहा हूँ उसमें सिर्फ स्टोर का ऑनर ही एक्टिंग करेगा। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? शिवाय नमः, शिवाय नमः। हेलो, जरा बाजू में इसे दीजिए। अरे मेरा हलवा, मेरा हलवा। हे, ऑलरेडी कितना खा चुके हो, अब जाओ यहाँ से। मेरा हलवा ले लिया। आई लव यू नैंसी। आई लव यू बोल के ये क्या दे रहे हो? प्रसाद, फूल देकर प्रपोज करने वाले को तो मैंने देखा है, लेकिन ये प्रसाद देकर प्रपोज करने वाले को पहली बार देखा है। वो क्या है नैंसी, मैं कविता भी बहुत अच्छी लिखता हूँ, इसे पकड़ना जरा। अपने लव को प्रपोज करने के लिए मैंने एक कविता भी लिखी है, सुनोगी तुम? सुन रही हूँ, बोलो। तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना भूख नहीं लगती, जैसे ही तुम्हें देख के बात कर लेता हूँ
मुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। हाँ? मेरे लिए एक बिरयानी खरीद दोगी क्या? कैसी लगी? छी, बकवास। ए, संभल के जाना। मम्मी भूत 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 भूत। ए, तुम यहाँ कैसे, किसके लिए, क्यों आई? तुम यहाँ कैसे, किसके लिए, क्यों आई? क्यों? सिर्फ लड़के ही दीवार कूद कर प्रपोज करने आ सकते हैं क्या? लड़की भी तो दीवार कूद सकती है, वो भी तो ऐसे प्रपोज कर सकती है। क्या लव प्रपोज करने आई हो? क्या बोल रही हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं शौक हो गया हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। सच सच बता ना, लव प्रपोज करने आई हो? यस। तो बोला क्यों नहीं अभी तक? आई लव यू। क्या आई लव यू? क्या यार, शौक के ऊपर शौक दे रही हो। एक बार और कहना। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। ओ मम्मी, जो हर बार कहती थी सोच के बताऊंगी, वो आज इतनी बार लव यू बोल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ए, कल तक तो तुम्हें प्यार नहीं था, लेकिन ये अचानक कैसे प्यार का भूत सवार हो गया? तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो। बचपन से ही? हे, ये तो मेरे स्कूल के बचपन के एनुअल डे फंक्शन का डांस वीडियो है, इसे किसने लिया था? मेरे पापा ने ली थी। तुम्हारे पापा ने? हे, इसका मतलब वो लड़की तुम हो। बचपन में तुम कितनी क्यूट दिखती थी यार, लेकिन अब क्यों नहीं हो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है नैंसी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। दो साल पहले तुमने एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, कल मैंने जब एक्सेप्ट की तब पता चला कि तुम ही बचपन वाले दोस्त हो। तुमने बचपन में ही मुझे किस किया था ना, बदमाश कहेंगे? अभी भी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, मैं यहाँ आई लव यू कहने आई थी, मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। चलो, जैसे आई थी वैसे ही जाती हूँ। ये क्या किया तुमने? अब क्या करोगी, सीढ़ी तो नीचे गिर गई। एक काम करो, रात में मेरे साथ सो जाओ, सुबह चले जाना। ए, मजाक मत करो। हाँ, मेरे पापा के उठने से पहले मुझे घर पहुँचना है, कुछ भी करके मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हें सेफ तरीके से नीचे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओ पापा, हो गया, यही कंडीशन थी ना, अब चलो चलते हैं। फॉलो मी। अच्छा सुनो, स्पेशल क्लास में मेरे पापा हमेशा बिजी रहते हैं, स्पेशली तुमसे मिलने के लिए उन्होंने एक घंटे का ब्रेक लिया है, किसी भी तरह उन्हें इम्प्रेस कर लेना। बस तुम देखती जाओ मैं उन्हें कैसे इम्प्रेस करता हूँ। मेरे ख्याल से पापा की सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम्हें मंजूर है ना कबीर? मेरा नाम कबीर कब था मुझे याद ही नहीं, आई एम अल्बर्ट। अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हारे घर वाले को परेशानी होगी? ये अल्बर्ट नाम मेरे माँ बाप ने ही तो रखा है। हेलो सर, आई एम कबीर। आई एम माइकल डिसोजा, प्लीज टेक योर सीट। बैठो बैठो। मिस्टर कबीर सर, आपके बारे में, आपके काम के बारे में और फैमिली के बारे में मेरी बेटी सब कुछ बता चुकी है। इनफैक्ट मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है, तुम दोनों की शादी में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर, थैंक यू सर, जिस काम के लिए मैं आया था वो इतनी आसानी से हो गया, मैं चलता हूँ सर। रुको 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 रुको, तो बैठो। मिस्टर कबीर, अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी दो कंडीशंस माननी होगी। हाँ, मुझे मालूम है सर, क्रिश्चियन बनके हर हफ्ते चर्च जाना होगा, बस इतना ही ना सर? मैंने तो अपना नया नाम भी रख लिया है। हाय, आई एम बस बस बस। मिस्टर कबीर, क्रिश्चियन बनना और चर्च जाना, ये दोनों एक ही कंडीशन में आते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन बनने के बाद हर हफ्ते चर्च तो जाना ही है ना। लेकिन मेरी दूसरी कंडीशन कुछ अलग है सर। पूरी फैमिली को कन्वर्ट करना होगा। सर मैं समझा नहीं सर, हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ। ओके, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जीसस, आपके घर में कितने लोग हैं? सर मैं, मम्मी पापा, भैया, भाभी, छोटी बहन को मिलाकर पूरे 6 लोग। ऐसा है क्या? उन लोगों को भी एक साथ क्रिश्चियन में बदलना होगा, तभी यह शादी हो सकती है। पापा, ये क्या नए नए कंडीशंस डाल रहे हैं आप? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। तो बताइए मिस्टर कबीर। सर, आपकी बेटी से शादी मुझे करनी, इसलिए मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ, लेकिन इतने सालों से मेरे मम्मी पापा मंदिर जाकर पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते आए, मैं उन्हें क्रिश्चियन बनने के लिए कैसे बोल नहीं सकता बोल सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर कबीर, इसके पीछे एक जरूरी वजह है। 1 साल पहले डायना नाम की एक लड़की, नैन्सी तुम उसे जानती हो ना, वो लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी और उसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मेरे पास आई थी और मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। 4 महीने में दोनों में डिवोर्स हो गया। तुम्हें पता है क्यों?
क्यों? There are lot of cultural differences, difference of opinion because of religion. देखो, हम क्रिश्चियंस न्यू ईयर, क्रिसमस और ईस्टर तीन ही त्योहार मनाते हैं, जबकि तुम लोग गणपति से लेकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, मकर संक्रांति, ना जाने कितने सारे त्योहार मनाते हो। हम लोग हर संडे चर्च जाते हैं। तुम लोग कौन से दिन किस मंदिर जाओगे तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम लोग का फूड हैबिट्स अलग है, हमारा फूड हैबिट्स अलग है, तुम्हारा पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। सी, मैंने सिर्फ एक बटन खोल कर रखा है जबकि तुम्हारी पूरी शर्ट खुली हुई है। इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से मेरी बेटी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी क्रिश्चियनिटी में बदलने की बात कर रहा हूँ मैं। What do you say, Mr. Kabir alias Albert? सर, मेरे पास एक आइडिया है सर। बोलो बोलो, आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। आपके परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, कुल तीन लोग। सर, हम छह लोगों के क्रिश्चियन बनने से अच्छा है आप तीन लोग हिंदू क्यों नहीं बने? They won't be any culture difference, difference of opinion because the religion. अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे? मिस्टर कबीर, मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आया, बल्कि तुम मेरे पास मेरी बेटी से शादी करने की परमिशन मांगने आए हो। अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मेरी कंडीशन मंजूर है तब तो मैं ये शादी करूंगा, वरना। आपने लव मैरिज किया? अरेंज्ड मैरिज। मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद से मेरी शादी करवाई, इसीलिए तो पता नहीं। क्या नहीं पता है? हमसे ज्यादा हाई लेवल की लड़कियाँ हमें छोड़कर चली जाती हैं, और हमसे कम लेवल की लड़कियों को हम छोड़ देते हैं। जब हम अपने हाइट वेट रेंज को देखते हुए किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड, भाई, रिश्तेदार हमारे प्यार में अड़ंगा तो नहीं डालेगा। और वो पट भी गई तो उसका पेट्रोल भराओ, रिचार्ज करवाओ, रात भर उसे गाना सुना के आई लव यू बोलो, एफएम पे उसका गाना सुनाओ, इतने सारे पापड़ बेलने के बाद वो जाके कहीं हाँ बोलती है। फिर उसके बाद शुरू होता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे वैसे मुंह बना के स्माइल भेजना, उसका दिल बहलाना, रात रात भर उसके रिप्लाई का वेट करना, समय और पैसों की फिक्र किए बगैर दिन रात उससे फोन पे लगे रहना, और जब मिलने की बारी आए तो थिएटर, पार्क, बीच में जाके अपने पिताजी की कमाई को फूंकना। इतना सारा कुछ होने के बाद जब आपके सामने आके शादी के लिए खड़े होते हैं तब आपकी कंडीशन शुरू होती हैं, और आप कह रहे हैं कि अपने घर में माँ बाप, नौकर, सब्जी वाले, दूध वाले, घर वाले सबको क्वेश्चन मनाने के लिए बोल दो। आप खुद को टीचर कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है। अच्छा, आप ही खुद को गाली दे दो। चुप, घटिया फिल्मों का डायलॉग बोलकर मुझे भड़का कर तुम सोचते हो कि मेरी बेटी से शादी कर लोगे? चल निकल रहे। अरे वाह, अरे वाह, अरे यही सुनने के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। अबे तेरी तो कभी, ये मेरे पापा हैं, तमीज से बात करो। ए, इसे कौन इज्जत देगा? अगर मैं इसे गाली दे देता तो भी मेरा गुस्सा शांत है। चुप कर लोकल, कहीं क्या? ये धमकी दे रहा है क्या? तुम्हारे जैसे लफंगों को मैं अपनी गाड़ी की कांच नीचे करके भी नहीं देखता। तुम मत देखना, मेरी बेटी अनजाने में तुझसे प्यार कर बैठी है, इसीलिए अभी तक इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे। तुम मत करना, चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें। मेरी परमिशन के बगैर तू मेरी बेटी की परछाई भी नहीं छू सकता। ओ, तुम्हारी बेटी को कब और कैसे उठाना है मैं अच्छे से जानता हूँ, और तू तो गंजा है। कबीर, तुम बाहर जाओ। तुम चुप रहो बेबी, तुम बीच में मत बोलो। मिस्टर डिसूजा, हमारी शादी के बाद आशीर्वाद देने आ जाना, तुम परेशान मत हो बेबी। ए, चल जा 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 रहा हूँ ना ससुर जी, जा रहा हूँ। इडियट, तुम्हारे जैसे लफंगों को मैं अपनी गाड़ी की कांच नीचे करके भी नहीं देखता। ये पढ़े लिखे जैसे बात करता है, फिल्म के डांस मास्टर जैसे। धर्म बदलो, धर्म बदलो, पूरी फैमिली को डांस करवा करवा के मार डालेगा। कर, मैं नैंसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। काम करते हैं, अपने दोस्तों को ले जाके उसके बाप को पीट देते हैं। तुम हिला के रखो, कुछ भी करो, लेकिन बाद में नैंसी अब्रॉड चली जाएगी। चलेगा क्या? अच्छा सुनना, एक काम करते हैं, बाउंसर्स को बुला के उसके बाप को उठवा लेते हैं। वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? वो लोग किसी फिल्म की शूटिंग में गए हुए हैं। तो पुलिस के पास चलते हैं। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी खुदकुशी की खबर कल पेपर में आएगी। चलेगा क्या? कोई बड़ा सा केस बना के उसे सुप्रीम कोर्ट में खींच लेते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोग नहीं मानते तो वो कैसे मानेंगे? मैं जब भी कोई आइडिया बता रहा हूँ तू हमेशा उसके लिए नेगेटिव क्यों बोल रहा है? तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। तू चिल्ला कर, झगड़ा करके, पुलिस कंप्लेंट करके, कोर्ट कचहरी, तो क्या गवर्नमेंट के पास भी जाएगा तो तब भी कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। वो गोविंदा गोपाल कृष्ण। कहाँ है वो? वो हमारे सबके घर में रहता है। वाई हिंदी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, वेलकम और स्वागतम। मैं हूँ गोमती गोपाल कृष्णन। सलीम भाई की स्टार बिरयानी और गोपाल की बनियान के बारे में क्या? कट 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 कट, वो सब पिछले महीने की थी, अब स्पॉन्सर चेंज कर दिया है, वहाँ देखो। अब ऐसी बात है, और जरा ब्राइटली बोलो। पॉपुलर पापड़ शीनलेक पेंट्स के साथ मिलकर MCR धोती और शर्ट्स ने आज का ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। इस समाज में कोई भी परेशानी ना हो तो भी परेशानी को ढूंढकर आपके सामने लाना ही हमारी स्टाइल है। ये कैसा घटिया प्रोग्राम है, शायद आप लोग ऐसा सोचते होंगे और परेशानियों को झेलते होंगे, लेकिन आज एक सीरियस समस्या हम आपके सामने ढूंढ कर लाए हैं। अगर हमारी तरफ से लाई हुई समस्या समस्या ना होती तो हमारी बदनामी हो सकती थी, तो हम फंस सकते थे। चलिए इन लोगों से पूछते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? कबीर। कैसा घटिया जवाब देता है कबीर। सुनो, जरा ढंग से पेश आओ, बटन्स लगाओ पहले अपनी शर्ट के। बात को मैंने उसी दिन बोला था। दीदी, ये आपके सामने जमान लड़ाता है, आप कहे तो से मारूं। चुप, बहुत बोलता है। चुपचाप बैठे रहो। भैया,
आप कौन हो? मैं भास्कर, कबीर का अच्छा दोस्त। दोस्त हो तुम? इसकी कहानी से क्या लेना देना? दीदी मैं तो बस मजाक कर रहा था, सॉरी। मैं स्टोरी में हूँ क्या? ओके सर, आपका नाम क्या है सर? माय नेम इज माइकल डिसूजा। ओके सर, मेरा नाम है माइकल डिसूजा। अरे पहले तो इंग्लिश में कहा था। गुड्डी गुड्डी गुड्डी, यहाँ देखो देखो तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं गुड्डी नहीं हूँ, मेरा नाम नैंसी है। MBA फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। कबीर दीदी, क्या बात कर? मैं नैंसी को बचपन से जानता हूँ और वो भी मुझे बचपन से जानती है, विश्वास नहीं है तो पूछ। सही बोला। सच है क्या? हाँ सच है। ओके देन, नैंसी को मैं सच्चा प्यार करता हूँ और हमें मिलाने के लिए मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की। अबे बता ना तू। बचपन से मैंने जॉब वर्क प्रोफेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तीनों एक ही बात। अभी दो समझदार आदमी बात कर रहे हैं ना, तो बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? ये बड़ा आदमी है, सच्चा था, ये बड़ा आदमी है। सर 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 सर, रुक जाइए सर, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। हाँ बोलो, तुम बोलो। इन दोनों को ही मिलाना मेरा काम था, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। मैं इसी परेशानी को बताने के लिए शो में आया हूँ। इस घटिया कहानी के बारे में अगले एपिसोड में बात करते हैं, अब इसकी घटिया कहानी सुनते हैं। मेरा प्यार, उसकी फिक्र मत करो, वो एडिट हो जाएगा। एडिट करो सर। ओके ओके, तो कभी अब बताओ तुम्हारी सीरियस कहानी। दीदी, नैंसी भी मुझे सच्चा प्यार करती है, आप पूछो ना इससे। सच है क्या? सच दीदी है? मैं तो क्रिश्चियन बनने को भी तैयार था। पूछिए इससे, मैंने तो नाम भी अल्बर्ट रख लिया था। अल्बर्ट बोलकर मेरा नाम भी बदल दिया। पूछिए इससे सच है या नहीं। बार बार सच है या नहीं बोलने का क्या मतलब है? अब और कुछ मत बोला, समझे? मैडम, इसने जो कहा वो सब सच है। सच है? बाप रे, गुड्डी यहाँ पर आके ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं ही ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ। 200 एपिसोड तक तुम्हारे बोलने से जनता बोर होकर बैठी रहेगी। तो क्या पब्लिक तुम्हें देखना पसंद करेगी? वो लड़का तुम्हें ही देख रहा है। कौन है वो? वही वो कबीर। दिल के अंदर बहुत सारी बातों को जमा कर रखा हुआ है, थोड़ा टैप करोगी तो पूरा का पूरा उगल देगा। तुम्हारे मन में बहुत उदासी छाई है, अपनी दीदी को सारी बातें बोल दो, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक है। सहन नहीं हो रहा है। दीदी, एक दिन मैं नैंसी का हाथ मांगने के लिए उसके पिताजी के पास भी गया। इस आदमी ने मुझे क्रिश्चियन बनने को कहा। मैं तक तो ठीक था, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको क्रिश्चियन बनने को कह रहा था। इसी ने कहा दीदी, इसी ने कहा। अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे तूने ही तो कहा 10 मिनट रोना धोना चालू रखो। अरे कह दिया तो रोती रहोगी क्या? अभी के लिए प्रोग्राम कंटिन्यू करो। अरे तेरी धुन पे नाचू। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? पहले वो रो रहा था, फिर ये रोने लगा और अब आप रो रही हो? सर ये सच कहने का प्रोग्राम है या रोने धोने का? नहीं नहीं, तुम लोग एक साथ बैठकर जितना रोना है रो, मुझे कुछ काम है, मैं जाकर आता हूँ। झूठ बोल रहे दीदी, ऐसा कुछ काम नहीं है। चुप रहो तुम। सर मेरे ख्याल से आपको बीपी है ना सर? बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, पागलपन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? क्या बात, तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई मुझे। बंद कर। अरे जाना। मेरी बात सुनिए सर, आपकी उम्र क्या है? I am 55. Okay, 55 साल उम्र है मेरी। सर मेरी बात सुनिए सर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप पहले इंग्लिश में बोलते हैं फिर हिंदी में बोलते हैं। या तो आप इंग्लिश में बात कीजिए या हिंदी में बात कीजिए, आपकी मर्जी। इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश तो इंग्लिश में बात कीजिए, हम इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश छोड़ के आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात करनी है तो हिंदी में बात करते हैं। आ गया ना आपको गुस्सा? सुपर कॉमेडी, सुपर पागल पर मत करो, बैठ जाओ चुपचाप अपनी जगह पर। सर आप एक लेक्चरर हैं, आप स्टूडेंट्स को अच्छा बुरा सिखाते हैं, आप तो इतने महान पोस्ट पर हैं सर, लेकिन आपकी ये घटिया कंडीशन देखकर शायद मेरा नाम खराब हो। टॉकिंग टू मी लाइक दिस? पुलिस को भेजकर मुझे यहाँ बुलाया गया और यहाँ आकर देख रहा हूँ तो तुम लोग फालतू बकवास कर रहे हैं। आई विल सी यू ऑल इन कोर्ट। जा जा जा, इस आदमी को कोई इज्जत नहीं देगा, क्या कर लेगा रे कोर्ट जाकर बता मुझे। अरे कॉलेज में जाएगा तो सारे स्टूडेंट चिल्लाएंगे घटिया प्रोफेसर, घटिया प्रोफेसर, तब तेरा दिमाग खुलेगा। यही शो का पावर है, दीदी का पावर है। विल यू शट योर माउथ? आई विल सी यू इन सुप्रीम कोर्ट। अरे जाइए ना सर, वहाँ मेरे पहचान का एक बड़ा वकील है, मैं उसे रख के केस लड़ूंगा। अरे अरे अपना मुंह बंद कर दो, मैंने कहा, वरना उठाकर फेंक दूंगी। ये बैठो, मैंने कहा चुपचाप बैठो। सर ये धर्म और अधर्म के बीच का आंदोलन है, यहाँ धर्म की जीत होती है। आप हमारे फैसले पर भरोसा करते हैं तो बैठ जाइए, वरना जा सकते हैं आप। जीसस, अगर आप यहाँ आए तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलो कबीर। दीदी, इसने मेरी पूरी फैमिली को क्रिश्चियन बनने के लिए बोला था, मैं तो क्रिश्चियन में बदल जाऊंगा लेकिन मेरी फैमिली क्रिश्चियन में कैसे बदलेगी? जब मैंने इससे ये पूछा तो ये मेरे ऊपर हंसने लगा। दीदी मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हुई। ऐसे घटिया जोक मारने वाले इंसान को तूने ऐसे ही छोड़ दिया? ए चुप रे सड़े समोसे, जल्दी बोलो। ये सारे घटिया जोक है, मैं समझ रही हूँ भास्कर, हंसी आती है तो हंसो नहीं तो छोड़ दो। सर इन दूध जैसे चेहरों को देखो। अगर दूध सा चेहरा है तो थोड़ा कॉफी बनाकर पी लो। मैंने कहा था ना दीदी, देखिए कैसे हमारी कंडीशन पे घटिया जोक मार के मन ही मना से जा रहा है ये। सर ऐसे घटिया जोक बाद में मारेंगे सर, सर आपका फैसला बताइए प्लीज। क्यों बार बार मेरा फैसला पूछ रही हो? मैंने ये तो नहीं पूछा कि गाड़ी है, बंगलो है, करोड़ों रुपए है। नहीं ना, बेटी से लव करता है, शादी मुझे मंजूर है,
लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मेरी लड़की एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करके अपना घर बसाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा परिवार क्रिश्चियन हो जाए। इसमें क्या गलत है? गलत ही है ना सर। परिवार का मतलब अकेले होता है, उसके माँ बाप भाई बहन चाचा चाची कितने सारे लोग होंगे, बहुत बड़ा परिवार हो सकता है। क्या आप उसके पूरे परिवार को क्रिश्चियन बना देंगे फिर आप शादी के लिए तैयार है? ये कैसे हो सकता है? ये नाइंसाफी है सर, बताइए ना, ये नाइंसाफी नहीं है। ठीक है कबीर, अगर ये अपने ख्याल बदल कर ये तुमसे अपनी बेटी की शादी कराते हैं तो क्या करोगे? महल में रख के सोने की थाली में उसे खिलाऊंगा। तेरी तो, अरे गटर पर झोपड़ा तो बनाकर दिखाओ, बड़ा आया सोने की थाली में खिलाएगा। सर ये लड़का आपकी बेटी को बड़ा संभाल के रखेगा, मेरी गारंटी है सर। सर आपके आशीर्वाद की जरूरत है सर, इन दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सर मेरी बात मानिए, एक बार अपने मुख से इस लड़की को दामाद करके पुकारिए। दीदी मैं इन्हें एक बार ससुर जी कह के पुकार सकता हूँ क्या? सब ठीक ठाक चल रहा है, बीच में अपना मुंह मत खोल। सर सर जैसे आंखों में आंसू आ गए वैसे दिल की बात जुबान पर आने दो सर। गो विद द फ्लो सर। सर अब सर सब लोग अपने भगवान को याद कीजिए, याद कीजिए सर। ठीक है मैडम, अगर आप इतना कुछ कह रही हैं तो मैं सर एक मिनट, सब लोग चुप हो जाइए, एक मिनट मुझे सुनने दो। बोलिए सर। अभी अभी ऊपर से फोन आया है, अब तक 20 लव मैटर को सॉल्व किया है, हमने उनमें से 18 लोगों को अलग कर दिया है, केवल 2 लोगों को मिलाया है, उन 2 एपिसोड को किसी ने भी नहीं देखा, और जिस एपिसोड में हमने लवर को बिछड़ते हुए दिखाया उसकी टीआरपी बढ़ गई है, दूसरों को बर्बाद देखकर लोगों को खुशी मिलती है। क्या कहा? एक देसी बम फोड़कर दोनों को अलग कर दो। हे भगवान, दीदी क्या हो रहा है? जस्ट अ स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम, आपके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। सर 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 कुछ तो इंसानियत रखो, यह अन्याय है ना, इंसाफी है। सुनो प्रतापनगर में फ्लैट, प्रतापनगर में सर ये तो गांव है सर, किससे बात कर रही है? ऐसा है क्या सर? चलिए मैं कोशिश करती हूँ सर। अरे शो का टाइम हो गया है, काम पर ध्यान दो। ओके 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 सर 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 जाने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए, जाने दीजिए आप, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स सर, बैठ जाइए बैठ जाइए आराम से। अंकल कुछ कहने आए थे और आप कह रहे हो ना भास्कर। ओके दीदी। तो कबीर हाँ दीदी, बात कहाँ पर रुकी थी? आपने इनसे कहा कि मुझे दामाद कह के बुलाए, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं कहा। दीदी आप बोलिए ना कहें। अपनी मान्यताओं को छोड़कर ये क्यों तुम्हें दामाद जी करके बुलाए? दीदी ये क्या कह रही है, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से कैसे बदल गई आप? कुछ तो गड़बड़ है। चुप कर कितनी बार दीदी दीदी कहकर पुकारता है? मैं इस प्रोग्राम की एंकर हूँ, मुझे डिसेंटली मैम कह के पुकारो, कॉल में मैम मैम दीदी मैम। ठीक है कबीर, अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं, उन्होंने तो... कहा कि मैं अपने पूरे परिवार को क्रिश्चियन में बदल दूं, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। छोड़ दो ये बात, तुम्हें क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को क्रिश्चियन होने की जरूरत। आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप शांत हो जाइए, मेरी बात मानिए, शांत हो जाइए। तो सुनो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगलो है, करोड़ों की जायदाद है, नहीं ना? तो ये बता, ये महापुरुष अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों कराएंगे? और इन सभी चीजों में से कोई भी चीज है तुम्हारे पास? नहीं है ना, तो वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करा सकते। वेरी गुड, अब आपने मेरे पॉइंट को पकड़ा। ए, क्या बकवास कर रही है, पहले तो हमें मिलाने का वादा करती है, बाद में लात मार के अलग कर दे रही है, तो समझ क्या रखी है? बात में इतना उलझा क्यों रही है? कबीर जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की रजिस्टर मैनेज करवाऊंगा। मेजर हो तो जाकर मिलिट्री ज्वाइन करो। ये सब बातें बंद करो, नहीं तो पागलखाने में भर्ती करवा दूंगा। भर्ती नहीं करेगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। मेजर भास्कर चुप हो जाओ, बैठ जाओ, नैन्सी को बोलने दो। नैन्सी इतनी सारी बातें होने के बाद क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहोगी? बताओ ना नैन्सी। नैन्सी, बोलो ना नैन्सी। जरा इसका चेहरा देखो, कितना प्यार भरा चेहरा है इसका। बोलो बोलो नैन्सी। मैं कबीर से शादी नहीं करूंगी, अपने पापा की मर्जी से ही करूंगी। देख लिया कबीर, उसने कहा वो अपने पापा की मर्जी से ही शादी करेगी। अब क्यों बेवजह हमारे कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो? अरे किसका कैसा कीमती समय, पहले तो दीदी दीदी बोलने को कहा, फिर बाद में मैम मैम कहने को बोलती है, पहले बोली मिलवा देंगे, फिर खुद ही बाद में अलग कर दिया। अरे मैं सब अच्छे से जानता हूँ, ये फोन की वजह से तूने ऐसा किया है। उसने मुझे ये कौन है रे बाहर आ? नाश्ता लाने के लिए बोला था, लाया क्या? ए आना, हम लोग की जिंदगी के साथ तुम लोग खेल रहे हो। ये भास्कर उठना, इस मोटी को ही पीट। तू दीदी है क्या? बुड्ढी मेकअप डालकर सबको बेवकूफ बना दिए। कहीं का चल हट। ये मोटी को मोटी नहीं बोले तो क्या बोले? प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले स्पॉन्सर का नाम बोलो, मैटर बोलोगी तो मीटर गिरेगा हमारे इस प्रोग्राम। तू चुप हो जा, तेरा एक दिन पूरा परिवार छोड़कर सड़क में आ जाएगा। अरे कैसे?
ऐसा जंगली लड़का है पागल कहीं का? तुमने आज कमाल कर दिया, उन दोनों को अलग करने से टीआरपी बढ़ गई, तुमने उनकी पूरी वाट लगा दी। सर, प्रताप नगर की फ्लैट के लिए इतना सारा झमेला हो गया, अगर अल्टामाउंट रोड पे आपको एक भी फ्लैट मिल जाए ना, तो देख लीजिए आपके परिवार को फाड़ के रख दूंगी। फनी फनी होने के पैसे मिलते हैं ना। बाय फनी। आओ। अरे बुड्ढी, नेहा को मैं बोलते हैं, हम सबको बता दिया इससे। पागलों की तरह रोएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? मैंने सुना था कि लव अलग होने के हजारों कारण होते हैं, लेकिन मेरा प्यार चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अलग हुआ। मैं तो बर्बाद हो गया। चालीस मिस कॉल। भास्कर, अबे जल्दी निकल बाहर। भास्कर कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी पर्स, पर्स कहाँ चली गई मेरी? पर्स भी गायब है, भास्कर भी गायब है, दरवाजा भी खुला हुआ है। शायद वो सॉरी 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 प्रिया, पार्टी में लेट हो गया था मुझे। इतनी आसानी से बोल रहे हो ना तुम कि पार्टी में लेट हो गया? तुम सुधरने वाले नहीं हो कबीर। हा? प्रिया मैं निकल चुका हूँ प्रिया, अभी 11:30 हो रहे हैं, शार्प 2:30 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। पहले तो तुम पार्टी में चले गए, वहाँ लेट कर दिया और अभी तक वहाँ से निकले भी नहीं हो तुम। प्रिया मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, पुलिस वाले देख रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। कबीर, मेरा रूम नंबर 64 है, मेरा पर्स और मेरा दोस्त भास्कर गायब है। मैंने देखा मेरा रूम भी खुला है, किसी ने पैसों के लिए उसे किडनैप किया होगा या तो मेरे पैसे लेके वो भाग गया होगा। मिस्टर कबीर। कहाँ गया था तू? तुम कहीं लेट ना हो जाओ ये सोचकर पेट्रोल भरवाने गया था, हाथ में पैसे नहीं थे इसलिए तेरा पर्स ले गया था। तू गहरी नींद में था इसलिए मैंने सोचा कि तुझे उठाना इंसानियत के खिलाफ होगा, और तू मुझ पे शक कर रहा है। ए चुप, ये पागलों की तरह बातें मत कर, 2 घंटे में हमें मुंबई पहुंचना है, चल जल्दी आना। जब भी हम गोवा से घूमकर वापस जा रहे होते हैं, तू हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम की याद दिलाकर हमेशा मेरे दिल को धड़काता रहता है, ऐसा क्यों करता है मेरे भाई? अबे दुनिया में हर कोई परेशानियों से परेशान है, तू अपना मुंह बंद कर, समझा? ओके। क्या बात है, आज एक भी गाड़ी नहीं फंस रही है। एक गाड़ी आ रही है, TN10 1004। भाई गाड़ी किनारे करो। किनारे किनारे, इधर इधर, शाबाश। देखने में तो इतना छोटा दिखता है, गाड़ी कैसे चला रहा है, देखता हूँ अभी। भाई शीशा नीचे करो। क्या सर, हमेशा की तरह चेकिंग हो रही है क्या? तुम घर में बैठकर कार्टून चैनल देखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे हाईवे पर गाड़ी सीखने की जरूरत नहीं है। सर वैसे आप जोक बड़ा अच्छा मारते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपका जोक सुनूं, मैं अभी टेंशन में हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे सुनो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? है गाड़ी नहीं खरीदी है क्या? हाँ सर, लेकिन क्या हुआ? तो जरा चाबी दिखाओ। सर चाबी तो पुराने जमाने में लगती थी, ये देखिए इसमें तो ऑटोमेटिक की लगती है। सर 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 चाबी दीजिए सर, मजाक मत कीजिए। मेरे से पूछ रहा है? ओ टके, कैच इट। चाबी दीजिए सर। सर चाबी दीजिए सर, लेट हो रहा है मुझे, 2 घंटे में मुंबई पहुंचना है। तुम क्या कलेक्टर हो या किसी कलेक्टर को लेने जा रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग मैन, यू टू टॉक रबिश रबिश रबिश, आई कीप साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आई एम नॉट दैट टाइप, आई एम आल्सो टॉक रबिश रबिश रबिश, दिस प्लेस बिकम अ स्पैली। मैं खुद भी गोवा से हूँ, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, तुम कितने दिन यहाँ रुकने वाले हो और तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? सर कुछ समझा नहीं। पासपोर्ट प्लीज। सर गोवा में आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? हमारी इंग्लिश सुनकर तेरे को गुस्सा आ रहा है, और तेरी इंग्लिश सुन के हम लोग इतने देर से झेल रहे हैं। इंग्लिश में हम सिर्फ यही बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जल्दी से जाके इंस्पेक्टर साहब को मिलो। क्या एक दूसरे के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अभी मैं जाके तुम्हारे साहब को बताता हूँ, फिर देखना वो तुम दोनों की बैंड बजाएंगे। संभाल, बहुत बड़ा हीरो है ये, यू यू यू। सर नमस्ते सर, माय नेम इज कबीर। सर बाहर उन लोगों ने गाड़ी चेक करने के लिए चाबी लेके रख ली है सर। सर आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए सर। सर आप मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है सर। सर
अरे आप एक पुलिस वाले हैं इसीलिए मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन आप ही मुझे पागल समझ रहे हैं। हट रे। अरे आई एम बिलोंगिंग डिसेंट एजुकेटेड फैमिली, दो मिनट मेरी बात सुन। डोंट ट्रीट मी लाइक अ स्मगलिंग ग्रुप, आई शुड बी इन मुंबई विद इन 2 आवर, अदरवाइज 2 crores लॉस्ट। यू डोंट बिलीव इट, आंसर मी मिस्टर मनी। जरा इसकी हिम्मत तो देख, सर को टच कर रहा है, अब तो गया काम से। hey! मच्छर मारने की मशीन को चार्ज करो। मच्छर जल्दी। मैं आपको मच्छर की तरह दिख रहा हूँ क्या जो आप मुझे मच्छर कह रहे हैं? हेलो, यू आर पुलिस, आई एम पब्लिक, यू आर माय सर्वेंट। बाय द वे, वन मोर एडवाइस, आई एम नॉट अफ्रेड पुलिस ऑफ माय चिल्ड्रन, यू गॉट इट? क्यों रे, तूने दरवाजा क्यों खोला? अबे मैं क्यों दरवाजा खोलूंगा? तो फिर किसने खोला? अरे उस पुलिस वाले ने खोला। लेकिन वो दरवाजा क्यों खोला? अरे वो हम लोगों को दारू स्मगलिंग करने वाले जैसा ट्रीट कर रहा है। वी टीच हिम लेसन, कम। अरे बाप रे, यार माँ की कसम खाता हूँ ये सारा सामान यहाँ कैसे आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, मैं डील करता हूँ। सर हमारी जनरेशन ने तो ऐसी चीजें देखी ही नहीं है, हम तो बीच पे जाके वॉकिंग करते थे, भास्कर समझाना। वैसे हमने मंदिर जाने का डिसाइड किया, हमने मंदिर की पार्किंग में गाड़ी पार्क की, उसी समय ये सब किसी ने किया होगा। मैं ये सब बहुत आसानी से साबित कर सकता हूँ। हे, गोवा में मेरी शक्ल का कोई और भी है, आई थिंक यहाँ मेरा जुड़वा भाई भी। 20 फुल 40 हाफ 40 क्वार्टर, 10 बियर, 1 जिन, 1 वोडका, 1 रम, 4 टिन का बियर। आगे तो बियर भी है सर। कुल मिला के 38,420, 26 पैसा एक्सक्लूडिंग टैक्स विद बिल। बड़ी अमाउंट है सर। We are extremely sorry, Mr. Money. केक दूंगा तुझे। वीकेंड में गोवा आते हो और 40,000 का दारू खरीद कर बाजार में 50 या 60,000 में बेचने वाले फ्रॉड लोग हो तुम, और मुझे नाम से पुकारते हो। क्या कहा था तूने? नहीं सर। We are not afraid of police from children, sir. बेवकूफ कहीं के, from children नहीं, from childhood. Hey, तुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, मुझे पंजाबी, बंगाली, गुजराती ऐसी कई भाषाएं आती है, बोल के सुनाओ। তোমাদের দুই জনকে ধরে গাড়িতে নিয়ে জেলের মধ্যে ভরে ভরে অনেক দূরে যে ধরে ধরে কে এনকাউন্টার মে মেরে দিয়া দরকার। মেরি বাত কো সমঝ মে আই তুম দোনো কো? স্যার আমে মাফ কর দিজিয়ে স্যার। কুছ অর সুনাও স্যার? আপনে কিয়া বোলা থা ও তো নাই সমঝ মে আয়া, লেকিন এক বাত সমঝ মে আই, আপ হম দোনো কো দৌড়া কে এনকাউন্টার করনা চাহতে হ্যায়। লেকিন ইস গাঁও কে লিয়ে গর্ব কি বাত হ্যায় স্যার, সত্যদেব আইপিএস, ধুরভী সিংহম আইপিএস, ইন লোগো কে জেসে আপ এক ইন্সপেক্টর পুলিশ অফিসার হ্যায় স্যার, আই প্রাউড অফ ইউ মাই সন, স্যালুট। सर सर सर, चश्मा नहीं तो आग भी नहीं, पावर ग्लासेस सर। ए, यहाँ नहीं वहाँ। क्यों रे सर, चश्मा उतारा तो बिजली से झटका लगा कौवे जैसा हिल रहा है, मजाक बंद करो। ए, तुम जैसे फ्रॉड की वजह से सरकार को कितना लॉस होता है जानते हो? उस पैसे से कितने गरीब को खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, तुम्हें पता है? इंसानियत को भूल कर गरीबों के पेट पर लात मारते हो तुम। अरे सर, इन दोनों को दारू के साथ बांध कर फोटो खींच कर प्रेस में भेज दो, और इनकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाओ, और इनकी FIR लिखकर लॉकअप में बंद कर दो। Okay. शाम तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आज तो इनकी कुटाई होगी। हाय सेनोरिटा। अरे ये कैसा है, ये तो नॉट एन इशू, जरा सर के स्टाइल देखो। सी सर स्पीकिंग फ्रेंच। हाउ आर यू? कैमरा मोबाइल है क्या? नहीं है सर, इसके पास है सर। देना। हां निकालो। फोटो सेशन शुरू कर दें, खड़े हो जाओ। ए सीधे खड़े रहना, क्या शादी में आए ऐसे खड़े हो रहे साइड? अबे एल्बम के लिए फोटो थोड़े खींच रहे हैं, चुपचाप सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। इधर देखो, इधर देखो। हाँ ऐसे, आगे देखो। वन मिनट। ए ट्रैफिक जाम हो रही है, गाड़ी को साइड में खड़ी करो। ओके सर, फोटो सेशन ओवर, गाड़ी साइड में करो। आरसी बुक लाइसेंस लेकर मेरे बूथ में आओ, जल्दी करो, मेक इट फास्ट। और सुनो, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बोल देना कि मैयत में आने के लिए सॉरी सॉरी बोलना, पुलिस ने पकड़ ली। पुलिस है या पागल है, कितनी मासूम बातें करते हैं। अबे तू गाड़ी ले जाके डिग्गी में ये सब रखा था, मेरे पैसे से मेरी फोन बज रहा है, उठा। हेलो, ड्राइव कर रहे हो, मैं डिस्टर्ब कर रही हूं। हां डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, ए डिस्टर्ब मत, गाड़ी चला रहे। हां बाद में फोन करता हूं ना, सब तेरी वजह से हुआ, तुझे तो मैं। मुझे डांटने के लिए तुम्हें 2 दिन देता हूं, तब डांट लेना, अभी यहां से निकलने का सोचो। अबे इन लोगों से बचेंगे कैसे? वहां देख, ये सब लोग यहां किसी रियलिटी शो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहां देख। अरे देखो ऐसी बात नहीं है, ये फोन पे इतना बिजी है कि हम पे ध्यान ही नहीं है, यही राइट टाइम है, चल निकल लेते हैं। यार कुछ गड़बड़ हो गई तो? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तूने दारू खरीदी ना? मेरी बात मानो, इनके आने से पहले भाग चलते हैं। नो 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 स्वीटहार्ट, किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए, समझे? गाड़ी साइड में
अरे ये तो हमें बेवकूफ बना गए। बिल्कुल सही बोला, अब इनको हम लोग देखते हैं। सर, सर। भास्कर, यस सर। तू कभी सुधरने वाला नहीं है ना? मैंने क्या किया? बगल में बैठ के मिस कॉल क्यों कर रहा है? Hey, I have 22 rupees balance. Why should I give you miss? क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? डिग्गी में देखना। डिग्गी बहुत दूर है यार। कार की नहीं, अपनी में देख। सच में नहीं मिल रहा यार, कहाँ गया होगा मेरा फोन? तुम्हें वो टकलू पुलिस वाला याद है? फोटोशूट, उसी के पास मेरा फोन रह गया यार। अरे छोड़ ना यार, चाइना ही तो था। फोन मेरा रह गया वहाँ पे। 750 कॉन्टेक्ट, इम्पोर्टेंट डेटा, डॉक्यूमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे डिटेल्स पुलिस के पास चले गए। आ गया। भास्कर, तेरे अंकल का फोन है, बात कर। मेरे फोन से बात कर रहा है? कुछ भी करके तो संभाल ले यार। तेरे फोन से कॉल आ रही है ना, तू ही बात कर। उठा ना यार, उठा जल्दी। हेलो। हेलो। इस फोन को मनी के पास दो। अरे मनी बोल रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसा पूछना चाहिए ना सर? नहीं 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 नहीं। अब यकीन हो गया कि आप मनी बोल रहे हो? तू एक क्रिमिनल है, ऐसा लिखकर तेरी फोटो को सारे फोन पर भेजूंगा। नहीं जाएगी सर, उसमें बैलेंस ही नहीं है। तूने साइबर क्राइम के बारे में सुना है? सर सर ऐसा मत करो सर, एडल्ट पिक्चर 7GB, मनी एंडरसन एक्सक्लूसिव। मैं जानता हूँ कि आपने सारी पिक्चर देख ली है सर, अब मैं क्या करूँ सर? अभी तुम लोग कहाँ हो? हाईवे पे गाड़ी चला रहे सर। करेक्ट लोकेशन बताओ। दूर एक हनुमान मंदिर दिख रहा है सर। वैसे ही 2 किलोमीटर आगे आ गए हो, एक खाली सड़क आएगा, वहाँ आ जाओ। ठीक है ठीक है, पहुँचते हैं सर। कबीर, जहाँ से हम भागे थे वहीं चलो। ये धूप और धूल खाने से अच्छा होता अंदर बैठ के आ जाता। अगर हमें पहले पता होता कि हम पकड़े जाएंगे तो हम कभी भागने की कोशिश नहीं करते। हमारा एनकाउंटर कर दो सर। सर आज के बाद पुलिस तो क्या, सिक्योरिटी वाले पकड़ेंगे तो भी नहीं भागेंगे हम। माफ कर दीजिए सर। अरे 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 अरे, अरे। ऐसा क्या गलती किया रे वो लड़का? एक इंसान, एक शैतान, एक था टाइगर, ऐसी फिल्मों में काम करके उसने क्या गलती किया? डांस बोलो, गाना बोलो, डायरेक्शन बोलो, एक्टिंग बोलो, सब वो अकेला ही करता है, ये गलत है क्या? या बचपन से एक्टिंग करता है, ये गलत है? बचपन में उसने कौन सा गाना किया था? I am a little star, बनूंगा सुपर स्टार। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are। गलत गाना गा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। सॉरी सर। सुनो, क्यों उस लड़के से इतनी बड़ी गद्दारी की है तुम लोगों ने? मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि अमावस्या के दिन धूप में खड़े होने से पागल हो जाते हैं। आज देख भी लिया। सर सर सॉरी सर, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। क्यों उस लड़के के बीप सॉन्ग को रिलीज करके उसे कोर्ट के चक्कर काटने पे मजबूर कर दिया? वाह, सब लोगों की तरह हमने भी डाउनलोड ही किया था, बाद में अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने डिलीट कर दिया। सर सॉन्ग से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। संबंध नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन संबंध को मैं क्रिएट करूंगा। उस बीप सॉन्ग पर नया गाना मार्केट में तुमने रिलीज किया, इसे केस बनाकर अंदर करूंगा, तो क्या करोगे? सर हर डिस्ट्रिक्ट में केस दर्ज करेंगे। सर औरतें भी इनके खिलाफ होंगी। सर हमसे अनजाने में गलती हुई, क्यों ना एक काम किया जाए सर, बात करके सुलझा लेते हैं। क्या बोला फिर से बोल। सर गलती से हो गया सर। इसके बाद कुछ बोला ना तो? माफ कर, दोनों के बीच में कुछ कहा था? सर इसने मुझे कहा था, हर वक्त मुझे गाली देते हो। सर मेरी मानिए तो बात करके सुलझा लेते हैं। कितना वक्त गुजर गया? 2 hours 10 minutes 12 seconds। क्यों रे, गोवा से मुंबई लेकर जाते समय पुलिस ने पकड़ ली उस वक्त। सर कुछ भी हो आपस में बातें करके एक फैसला कर लेंगे, ये बात कहने में 2 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड लगे तुम लोगों को। तू कैसे आदमी हो तुम लोग, पुलिस से क्या बोलना चाहिए? सर बातें करके मामले रफा दफा कर देंगे। सर हमने सर आपको क्या चाहिए? सर थोड़ा साइड में आइए सर, वही हमारा कल्चरल है, वही हमारा सोसाइटी है, वही हमारा नागरिक है। सुनता ही नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पालन पोषण ठीक से हुआ नहीं, तुम्हारे माँ बाप को बोलना चाहिए। क्या जनरेशन यही है? इस जनरेशन को देख के मेरी छाती जल रही है। सर पुलिस वालों को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमें स्कूल में सिखाया गया। ठीक कहा, तुम्हें मैंने पुलिस वालों का हीरो समझा था, लेकिन तुम तो वर्दी वाले घुंडे निकले। ऐसा क्या सोचा तुमने, क्या है मेरे अंदर बताओ? मेरे नाम के अंदर ही मनी है, अगर मैं नहीं लूंगा तो और कौन लेगा? सोचो, तुम्हें तो पुलिस वालों को उठा कर देना सर, चाहिए। सर, सर, ये भाषण बंद करो, हम भीख मांग के भी पैसे दे देंगे। तो भीख मांग कर 50,000 दो, इस भिखारी लोगों को फॉलो करो, अगर नहीं दिया तो। केस खत्म नहीं हुआ है, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे।
अरे रे रे रे, तुम दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे माइकल जैक्सन एमी जैक्सन एक साथ डांस कर रहे हो। सर आप लोगों को ये उल्लू बना रहा है, आप पागल डांसर लग रहे हो और आपको देख के लगता है आपको डांस ही नहीं आता। ए बहानेबाजी मत करो, पहले पैसे दो। अगर 10 मिनट में पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों के कपड़े उतार के पूरे शहर में घुमाऊंगा। वापस करो, कैसे भी अरेंज करता हूं, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। हां ठीक है, इंतजाम करो। अच्छा तूने कब से प्लान किया था? प्लान कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट। तूने कहा था ना कि इसके बाद हम गोवा कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया। पूछ रहा हूं, मुझे फंसाने के लिए तूने कब से प्लान किया था? यार तू अपने दोस्त पे शक कर रहा है? चुप, कल मेरी शादी है और तूने मुझे ऐसे लोगों के साथ बीच जंगल में फंसा दिया है। अबे तेरी, मैं तुझे बाद में 5 दिन का टाइम देता हूँ, तब गाली दे देना। अब यहाँ से भागने की सोच। कितनी आसानी से बोल रहा है, इनसे बच के जाएंगे कैसे हम? हम लोग लकी हैं, मेरे पास 2000 रुपए कैश है और मेरी जेब में ब्लैंक चेक भी पड़ा हुआ है, वो हम इन्हें दे देते हैं। अबे वो लोग हमेशा कैश लेते हैं और तू उन्हें चेक देने की बात कर रहा है? लोग बिना बैटरी के पावर बैंक भेज देते हैं। ट्रस्ट मी, फॉलो मी। कुछ भी कर लेकिन यहाँ से निकल। सर एक हेल्प चाहिए, हमारे पास कैश कम है, चेक चलेगा क्या? भाई मैं बचपन में बड़ा क्यूट बेबी था, मुझे कहीं नजर न लगे ये सोच के मेरी माँ छोटी उम्र में कान चेद दिया। सीधा सीधा बोलो ना। चुप कर, हमेशा तुम लोग ही बोलोगे, दूसरों को भी बोलने दो। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 50,000 देने की बात थी, 50,000 निकालो ना तो अच्छा नहीं होगा। बेवकूफ समझते हो क्या हम लोगों को? ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ ठीक बोल रहा है, मैं आप लोगों को बैरल चेक दे देता हूँ, आप लोग जाके कैश निकाल लो। सर अकाउंट नंबर की भी जरूरत नहीं है, बैंक जाइए पैसे निकालिए, छुट्टी हो जाएगी। सर आप 50,000 का चेक ले लो, 2,000 कैश ले लो, पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। चेक अपने नाम पे मत लीजिए सर, दीदी के नाम पे ले लीजिए, इनकम टैक्स का भी झंझट नहीं होगा। दीदी का नाम क्या है सर? पता करो, सब बता रहे हो ना, पता कर लो। जोक अच्छा लगा, अब दीदी का नाम बताओ। टू मिनट्स क्या करें? टकले, मेरी वाइफ ग्राइंडर के बारे में पूछ रही थी, एक इंतजाम हो जाएगा क्या? जो भी पैसा मिलेगा उससे स्टोर में जाके कोई सस्ते वाला सामान खरीदेंगे। अरे जल्दी करना यार, जिंदगी में पहली बार चेक साइन किया सर, आप दीदी का नाम भर दो। इंडिया के टीवी चैनल पर पहली बार किया हम लोगों ने। रिश्वत में चेक लेने वाले हम पहले पुलिस वाले हैं, यही ना, सब जानता हूँ। एमी जैक्सन, माइकल जैक्सन, तो आप लोगों को नाचना चाहिए। नाची ना सर। नाच लेंगे। अरे वाह, इस लड़के को म्यूजिक का बहुत सेंस है भाई। अबे तू 40,000 की दारू लेके जा रहा था ना यहाँ से, भगवान ने 50,000 का फटका लगा दिया, जैसी गर्मी वैसी भरनी। भाई प्रिया कॉल कर रही है। मत उठा। हेलो प्रिया। हेलो कबीर, तुमने मुझसे कहा था कि तुम लंच पे आ रहे हो, लेकिन कौन से दिन आ रहे हो ये तो बताया ही नहीं। नहीं प्रिया, वो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, तुम्हें बताता तो तुम चिल्लाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुमने मुझसे झूठ कहा है ना, मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कब से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फियोंस कब आएगा, मैं क्या जवाब दूं? मैं कह दूं उनसे कि तुम पार्टी करने गए हो और अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं रुक गए हो? नहीं प्रिया, मैं निकल चुका हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा, तुरंत वहाँ पहुँच कर तुम्हें कॉल करता हूँ ना प्रिया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है कबीर, मुझे लगता है कि तुम्हें शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम एक बार फिर से सोच सकते हो तुम्हें ये शादी करनी है। प्रिया प्रिया प्रिया, मैंने तुझे फोन उठाने से मना किया था ना कबीर। नैन्सी का भाई, भाई इसका मत उठाना प्लीज यार। हेलो कबीर। बोलो। ये क्या है, प्यार करते वक्त तो कितने स्वीटली बात करते थे, ब्रेकअप हो गया तो ऐसे बात करोगे? जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए इतने टेंशन में हो? मैं ऑलरेडी बहुत ही टेंशन में हूँ, बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, वो हमारा प्रोग्राम आ रहा था, अपने एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है अभी, तुमने देखा क्या? कब? जरूरी है क्या व्हाट्सएप पे फोटो डालना, फेसबुक पे स्टेटस डाल के पुरानी बातों को याद दिला के चिढ़ाना, ये सब कब बंद करोगी नैन्सी? हे देखो, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है, अब आगे से ना तो मैं तुम्हें फोन करूंगा और ना ही तुम मुझे फोन करोगी। काटना फोन, कट कर, काटना। ये देखो, इससे दूर जाने की बात करो तो ये पास आने की बात करती है, और एक के पास जाओ तो वो दूर जाने की बात करती है, ये भी क्या अजीब कहानी है यार। गुमजारे चलाने का लाइसेंस किसने दिया? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ अभी। अबे बताना क्या हुआ? मेरे भाई उसके लाइसेंस को छोड़, अपनी जान बचा। अरे
अब किसका फोन आ गया? हेलो हे रोमियो, हे मनी सर का फोन है। जाओ मैं तुम्हारा पीछा करूंगा ही, इसलिए सीधे सीधे चले आओ। सुपर सर, यहाँ एक लॉरी वाला है जो हम लोगों को मारना चाहता है, शायद उसे हम दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में नहीं पता, उसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए। डाल दीजिए सर, उसे मैंने ही भेजा है। सर, मिस्टर सरक परमार लाइन में हो क्या? सर आप है क्या? समय अच्छा है, रोक दूं क्या? सर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अरे सुनो, तुम लोगों ने जो मुझसे हरकत की है उसके लिए परमार तुम लोगों की हड्डी पसली तोड़ कर मेरे पास ले आएगा। परमार तुम्हारा समय हो गया है। सर सर छोड़ दीजिए, ये तो हमें मार डालेगा। जी लिए ए गाड़ी आगे बढ़ा। अरे ठोक दे, रोकना। अरे देख क्या रहा है, ठोक। अरे बच के कहाँ जाओगे? ये गाड़ी दबा, बड़ा स्पीड, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। भाई मुझे मुबारकबाद दे। हा? अबे वो क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला एक्सीडेंट था। चुप! क्या है ये? क्या है ये? 140 किलोमीटर की स्पीड से लॉरी जब कार को धक्का मारता है तो गाड़ी हवा में उड़कर चूर चूर हो जाता है। मेरी बात मानो, देखो अभी पहले से बातों में बिजी है, एक काम करते हैं, हम ऐसे भाग जाते हैं, नहीं तो हमें मार डालेगा। hey, तेरे कहने पे मैं इतना भागता आया हूँ, अब मैं इसका सामना करूंगा। देखो इनके बदन पे एक भी खरोच नहीं। इट्स ब्लंडर मिस्टेक सर। फॉरगिव सर। मिस्टर मनी। सर आपको बुला रहा है। तेरी तो मैं। hey, कबीर रहने दे, तेरे अंदर इतना दम नहीं है। ये बात मुझे पता है, बट सिचुएशन इज फोर्सिंग मी टू द एक्शन, प्लीज डोंट स्टॉप मी। ओके बादशाह भाई, प्रोसीड। जी हाँ। हे मेरे भगवान, दो इसे शक्ति, मारो दुश्मन को। खतरनाक इंसान है, मुझे तो लगा कि मैंने सुना है कि नेता लोग नागरिकों से वोट पाने के लिए पूरे विश्वास के साथ पैसे देते हैं और नागरिक पैसे लेने के बाद खुशी खुशी उन्हें वोट देने के लिए जाते हैं, और आपने हमसे 50,000 रुपए लेने के बाद ये लॉरी हमें मारने के लिए छोड़ दी। आप इंसान नहीं है। मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन तू कितना बड़ा फ्रॉड है वो ये बताएगा। बोलो। तूने मेरी बीवी के नाम पर 49,000 रुपए का चेक दिया था ना? हाँ, दिया तो था। वो चेक लेकर मैं बड़ी हसर से अपनी बीवी से मिलने गया था। तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। छोड़ दीजिए। अरे ये चेक मैं किसे दूँ, हर जगह तो लड़कियां बैठी हैं। ये टकला ठीक रहेगा। ए भाई साहब जरा हटिए, इसे भी ले जाओ। हे भगवान, पैसे मिल जाए। काम करो, तुम लोग अभी जाओ, जिंदा रहे तो 45 साल के बाद आना, मैं देखता हूँ। मजाक करता है पुलिस से। ये देखो, इसमें 2016 के बदले 2061 लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लो। आज तो बीवी मेरा भुर्ता बना देगी। बीवी के मुक्के से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, लेकिन फ्यूचर में तो होंगे ना, इसलिए मैंने 2016 के बदले 2061 डाल दिया। हे, मरवा दिया तूने मुझे। अब हम दोनों का इनकाउंटर कंफर्म है। इस बॉडी का नाम क्या है? ये कबीर की बॉडी है सर। कैसे मरा ये बॉडी? एक्सीडेंट के बाद ब्लड क्लॉट होने की वजह से डेथ सर। स्पॉट ऑन। इस बॉडी का नाम भास्कर है सर। एक्सीडेंट में इनके बॉडी पे एक भी खरोच नहीं सर, लेकिन एक्सीडेंट की बात सुनते ही इसको हार्ट अटैक आया और मर गया सर। इस बॉडी को खोद कर निकालने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? 80% अल्कोहल सर। अफीम, गांजा 20%। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। मुंबई गोवा के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या लिखा होगा? मुंबई गोवा हाईवे पे 2 लोगों की हत्या, पुलिस का शक अलकायदा के ऊपर। गोवा रोड पर एक्सीडेंट की वजह से 2 लोगों की भयानक मौत हो गई है, पुलिस को ये शक है कि दोनों ISI से जुड़े हुए थे। ये खबर टेलीविजन में कैसे दिखाएंगे? नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई गोवा हाईवे पे 2 नौजवानों की लाश मिली है, ऐसा लगता है कि हत्या का मामला है। अभी इस हत्या के बारे में बताएंगे हमारे लाइव रिपोर्टर कमल जी। कमल जी बताइए, जो हत्या हुई है उसके बारे में। कमल सुनाई दे रहा ना? कमल
जैसा कि आपने कहा कि गोवा जाने वाली रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ है और गाड़ी चलाने वाले का नाम कबीर है, ऐसा पता चला है। हादसा इतना खतरनाक था कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उनका जो सर था वो चटनी की तरह पिस चुका है और उसका साथी जिसका नाम भास्कर था उसके बदन में एक भी खरोच नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वो बहुत बोलने वाला था इसलिए सिर्फ उसकी जुबान कटी है। पुलिस वाले मिलकर उसकी जुबान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके कमल, ये जो हादसा हुआ है इसका केस पुलिस ने दर्ज किया या नहीं? बिल्कुल, इंस्पेक्टर मणि ने केस दायर कर लिया है और बताया है कि ये हादसा अत्यधिक दारू पीने की वजह से गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो देने की वजह से हुआ होगा और उनके ऊपर दूसरा केस अफीम, गांजा, चरस और सोने के स्मगलिंग का किया गया है और तीसरा चार्ज सीट बेल्ट न पहनने और गाड़ी तेज चलाने का किया गया है। अफसोस की बात है, यहाँ की इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और स्टूडियो लौटते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सुरक्षित रहिए, हमेशा सुरक्षित वाहन चलाइए, कहीं भी हादसा हो सकता है। कैमरामैन शक्ति सरवन के साथ मैं आपका कमल। अब हादसे का समाचार समाप्त हुआ, अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे हम ब्रेक के बाद। इसी तरह से केस बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, याद रखना इस बात को। चाहे और से मालूम लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ मत बोलो। बहुत बोल रहा है सर। सर मत मारिए, सर मत मारिए, मुझे आपसे कुछ कह रहे हैं सर। प्लीज सर। सर जैसा आप समझ रहे हैं हम कार में घूमने वाले लड़के नहीं हैं, हम तो बाइक पे घूमते हैं सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हमें बहुत काम है सर। हाँ सर, कल इसकी शादी होने वाली है। ये कार भी इसकी होने वाली बीवी की है, वो बहुत पैसे वाली है। आप जितना पैसा चाहोगे हम आपको उतना दे देंगे सर। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? आप कोई भी बात को पूरी तरह सुनते नहीं सर। कल इसकी शादी होने वाली है, आप जितना पैसा चाहोगे हम आपको दे देंगे। बार बार पैसा मांगकर हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है? अब आया हूं पार के नीचे। सर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? चीर कर रख देंगे मेरे प्यारे। अभी 5:30 बजने को है और कल सुबह 5:30 बजने के पहले 3,00,000 रुपए मुझे ला कर दोगे, वो भी कैश। और अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत तकलीफ में पड़ जाओ। हम पहले तकलीफ में है सर। कैसी तकलीफ पता है? कल सीधा तेरे रिसेप्शन में आकर तुम्हें और इसे और इस अपहरण ग्रुप का लीडर, मेरा मतलब है जिससे तुम कर रहे हो, उसे भी। ये प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया है। हाँ। नाइस नेम। ये मानेगा दोनों नहीं। को अरेस्ट करके पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा। सो कल सुबह 5:30 बजे 3,00,000 रुपए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए, होशियार रहो, होशियार रहो, क्योंकि तूने मेरी बैंड बजा डाली, तेरी मम। रुको 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 रुको, बोलिए सर। इस सादा कॉफी में और स्पेशल कॉफी में फर्क क्या है? सादा कप में आता है वो सादा कॉफी है, डिजाइन वाले कप में आता है वो स्पेशल कॉफी है। इतना बड़ा राज तुमने इतनी आसानी से खोल दिया, तुम्हारा ओनर चिल्लाएगा नहीं क्या? उसे चिल्लाने दीजिए ना, वो अजीब आदमी है। यहाँ सारी अजीब है। और क्या? ए, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तू कॉफी पे रिसर्च कर रहा है। ए, आप जाइए ना भाई, ऑल द बेस्ट। भास्कर, सारी फसाद की जड़ सिर्फ तू है, कहीं से भी 3,00,000 का इंतजाम करके सब कुछ क्लियर कर। और तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता भाई। ये 3,00,000 रुपए तो मैं आसानी से अरेंज कर दूंगा, बस कुवारा ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज करने की देर है, उसके बाद तो पैसों की बारिश हो जाएगी। मैंने इन लोगों को ग्रुप में इनवाइट नहीं किया, इन्होंने खुद ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन मैं मैसेज नहीं करूंगा। पूछो क्यों? अबे बताना। मैंने मैसेज किया तो 10 लोग हमारी मदद कर देंगे, उसके बाद बाकी लोग पूछेंगे हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा, तब मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे गिल्टी फील होगा इसलिए। अबे तेरी तो, कर जल्दी। कर रहा हूं कॉल। हेलो दोस्त, अपने कुवारा ग्रुप में से 10 लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। हाँ ठीक है, लगाता हूँ। अपने आप ज्वाइन किया ग्रुप। हेलो बॉयज, एक खेल खेलोगे क्या? हाँ खेलते हैं ना। उस तरफ आप 10 लोग हो, इस तरफ मैं अकेला हूँ। 5 मिनट में एक अकाउंट नंबर भेजता हूँ, नंबर मिलते ही उसमें 30,000-30,000 रुपए जमा कर दो। आई एम वेटिंग। हे कॉल वेटिंग नहीं, आई एम वेटिंग। राजेश, हे मंगेश, हे शेखर, हे गणेश, हे राहुल, हे विकास, हे शर्मा, हे संजय, हे विजय, तुम भी। नाम क्या बताया था ग्रुप का? वर्जिन ग्रुप। अबे तुझे से पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हे कबीर, मेरे दोस्त लोग दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर दूर दूर रहते हैं, इसीलिए बात करते करते सबका नेटवर्क एक साथ चला गया। देखा, मैंने पकड़ लिया। अबे तेरी नानी की। मुझे पता है तेरे से कुछ नहीं होने वाला और ना ही तू कुछ कर सकता है, ये मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम चाहो तो मैं अपनी मुंह बंद कर। हेलो प्रिया, कभी अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है और नहीं करना चाहते तो खुलकर बता दो, किस तरह मेरी इंसल्ट तो मत करो। नहीं प्रिया, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है क्या? यही
नहीं प्रिया के एक्सीडेंट हो गया है, उसने हमारी कार को एक कार ने आके टक्कर मार दी। एक्सीडेंट? कार को क्या हुआ? फ्रंट में लगी है या बैक में लगी है? इंश्योरेंस क्लेम तो कर सकते हैं ना? क्या लड़की है, एक्सीडेंट के बारे में बता रहा हूँ तो कार के बारे में पूछ रही है। इसको मेरी जिंदगी से ज्यादा अपनी कार की चिंता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है। प्रिया, मुझे अर्जेंटली 3 लाख रुपए की जरूरत है, अरेंज कर सकती हो क्या? मुझसे नहीं होगा, तुम खुद ही अरेंज कर लो। अगर टाइम पर नहीं आए तो शादी कैंसिल। तोड़ डाल फोन को, पटकने में भी नहीं फूटा ये। फोन मत उठाना। किसका फोन है? कबीर माए। हाँ माँ बोलो। खाना हुआ बेटा? हाँ खा लिया माँ। तुम कुछ परेशान लग रहे हो बेटा? नहीं माँ, कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम जरा जल्दी घर आ जाओ। ठीक है माँ। कबीर एक आइडिया है, एक बार नैन्सी को फोन करके देखो ना। अबे अभी मैं उस पे चिल्ला के दोबारा ना फोन करने को बोला है और तू कह रहा है कि मैं उससे फोन करके हेल्प मांगू। कबीर नैन्सी लाइन पर है। क्यों किया यार, प्लीज। हेलो कबीर। हेलो नैन्सी। हाँ बोलो कबीर, क्या बात है इस वक्त? नैन्सी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, एक परेशानी भी है। कुछ हुआ तो नहीं ना? अच्छा तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? वो पैसों के लिए पूछ रही है। मुझे 3 लाख की जरूरत है नैन्सी। ठीक है, व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करो, मैं भेजती हूँ। थैंक्स नैन्सी, तुम्हारी इस मदद को मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नैन्सी, बहुत शुक्रिया नैन्सी। नैन्सी क्या यार, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उसे अपनी कार की चिंता है और वो एक नैन्सी है लोकेशन पूछ के पैसे भिजवा रही है, ये सब क्या है यार? भास्कर मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं नैन्सी के हाथ पैर जोड़ के उसी से शादी करूंगा। तरह की सेल्फिश लड़की से शादी करके मैं अपनी जिंदगी उठाना। हेलो कौन है? मैं फादर फ्रांसिस बोल रहा हूँ। बोलो फादर। नैन्सी से फोन पर 3 लाख रुपए मांगने वाले कौन है? हम लोग है फादर। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग कॉफी शॉप पर है फादर। मैं वहाँ आऊंगा तो लेट हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर आओगे तो लेट हो जाएगा। डॉक्टर के बंगले पर मिलते हैं, तुम लोग वहीं पर आ जाओ। हम लोग जरूर आएंगे फादर। कुमार एक काम कर, उस पुलिस वाले को फोन लगा और उसे बोल कि हम डॉक्टर के बंगलों पर जा रहे हैं, हम वहीं से मिलेंगे, हम यहाँ से निकल रहे हैं, उसे बोल दे। ऑलरेडी मैंने मैसेज कर दिया है। उन लोगों को पढ़ना नहीं। अबे हिंदी में किया है, चल जल्दी निकलते हैं। ये या सैंडविच मसाज जैसा अच्छा लग रहा है ना? हाँ यार भाई, थैंक्स भाई, हमने तो आपसे एड्रेस पूछा और आपने जगह पे पहुंचा दिया। आप देवता के समान है, शुक्रिया। आपने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शब्द इंसान लोग बोलते हैं, मुझे क्यों बोल रहे हो? अभी ये कौन कैसी बातें कर रही है? अरे ये गोवा का बॉर्डर है ना, इसलिए इस तरह से बात कर रहा है। सर मेरी बातों से मैं आपको उल्लू या सुअर जैसा दिखता हूँ? छिपकली जैसे दिखते हो और कैसी बातें कर रहे हो? अगर इनसे हम ऐसे बात करेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे, पहले पैसे के बारे में सोचते हैं। तुम लोग 3 लाख रुपए देते हो या तुम्हारी लाश निकालूं? अरे टेंशन मत लीजिए, फादर फ्रांसिस 3 लाख रुपए लेके आ ही रहे होंगे। तुम्हारे बाप के फ्रांस से आने तक मैं यहाँ भीख मांगता रहूंगा? तुम लोगों का कुछ करना ही पड़ेगा। वो फ्रांस से नहीं आ रहे हैं, फ्रांसिस राजेंद्र वो चर्च के फादर हैं, 10 मिनट रुके पैसे लेके आ रहे होंगे। मैं भी ट्रेनिंग में इतना नहीं भागा, इतना भागने से दम पूरा भीग गए। हेलो फादर। हेलो बेटा, क्या तुम लोग पहुंच गए? नहीं फादर, बारिश की वजह से हम लोग पीछे के बंगले में कार शेड के नीचे आ गए हैं। वहाँ क्यों गए? वो तो भूत बंगला है। भूत बंगला? ये भूत उत का नाटक हम लोगों से मत करो, सीधी तरह अपने फादर को बोलो पैसे देने को, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ए, भूत की कहानी मत सुनाओ, फादर कहाँ है तेरा? गाड़ी आ गई। ये गाड़ी कैसी लग रही है? देखने में तो ये मुर्दे जैसा लगता है। सुनो बेटा, मैं हूँ फादर फ्रांसिस। सुनो बच्चों, तुम लोगों के पीछे दो काली परछाई खड़ी है, शायद वो भूत है। अच्छा वजह क्या फादर, ये लोग पुलिस वाले हैं इसलिए ये भूत जैसे लग रहे हैं। इनका भद्दा चेहरा देखकर मुझे लगा भूत है। तुम अफ्रीका में जाके किसी लड़की का हाथ मांगोगे तो कोई लड़की नहीं देगा तुमको। बकवास मत करो, मैं वर्जिन फादर हूँ, समझे? वर्जिन फादर क्या बोल रहे हैं, किसने इसे बुलाया? अबे चुप हो जाना यार, सॉरी फादर, स्तोत्रम। 12 बजे के बाद इस बंगले में भूत आता है, जल्दी आ जाओ। दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे? रात के 12 बजे आता है बेवकूफ। कौन सा भूत दिन में आता है? जल्दी आ जाओ, देख लिया ना तुम लोगों ने, जल्दी आओ। Oh,
इन बच्चों की जान बचाओ। हे मेरे परमेश्वर, इन बच्चों की जान मुसीबत में है, प्रेत आत्मा से इनकी जान बचाओ प्रभु। ओ जीसस, भूत को भगा रहे हैं, भूत को भगा रहे हैं परमेश्वर, इनकी रक्षा करो। फादर 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फादर आ जाइए, आ जाइए, सुनिए, आ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत भूत देखे हैं, लेकिन इसकी तरह खतरनाक भूत नहीं देखा अभी तक। झूठ मत बोलिए फादर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस। फ्रांसिस डी सिल्वा _ घोस्ट रीडर, मेरे फेसबुक पर जाकर देख लो। अबे फेस तो देखने के लायक है नहीं, फेसबुक देखने की बात कर रहा है। अरे क्यों इस समय तू डायलॉग मार रहा है यार, फादर के अलावा यहाँ कोई भी नहीं। क्यों फादर, कुछ करो फादर। मेरा हाथ पकड़ो। क्यों पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं? नहीं, मैं तुम लोगों को भूत से बचाना चाहता हूँ, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है ठीक है, पकड़ो पकड़ो। सुनो, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, फिर उसके बाद भागना है क्या? यहाँ से जंप करना है, समझ गए? 1 2 3 कौन है तू? पता मैं कौन हूँ पता है? फादर फ्रांसिस हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने नाटक मत करना, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर थोड़ा स्लिप हो रहा है। कोई बात नहीं, दैट इज नेचर। अब सब लोग मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी पकड़ो, बोला ना। रेडी, 1 मुझे मेरी अनिता दिखी अभी, मेरी अनिता दिखी, मेरी अनिता, अनिता क्या बोलती है? हम क्या प्यार करती है? कोई यही है। अरे तुमने कभी पीछे भूत को देखा है क्या? अनिता फादर, वो बाहर फादर की गाड़ी है, गाड़ी में पैसा है, तुम लोग कैश लेकर जाओ, हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। आज पहली बार मैं इसके मुंह से अच्छी बात सुन रहा हूँ। भागो जल्दी से यहाँ से, पैसा ले। मेरा फ्रांसिस अब मेरे पास ही रहेगा। अगर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फादर की बॉडी में आत्मा आ गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरी समझ में आ गया। क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं? अभी तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी है, सारी फिल्मों में भूतों की टेक्निक एक ही होती है। हाँ, ये टेक्निक है, भूतों से बात कर करके कर करके ही भगाया जाता है। भूत तो सो गई है, तो उठा के बात करते हैं। थोड़ी देर में खुद ही उठेगा यार, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। अब हम अंदर जाएंगे, भूत से बात करेंगे और फिर उसके बाद भूत को भगाएंगे। शांति ने अपनी भूत की फादर को उठा के अंदर लेके चली गई। उसकी ड्रेस जल्दी आ जाओ, देख लिया ना तुम लोगों ने, जल्दी आओ। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी आ जाओ वरना मारे जाओगे। जल्दी आओ, सभी भूत बंदे एक ही तरह दिखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गेट खोलो। भाई कुछ तो बोलो यार। और घर में सब ठीक? मैंने भूत से बात करने के लिए कहा है। मुझे बात करने के लिए मिमिक्री करो। दीदी मेरी बात सुनो, दीदी मैं तेरा भाई आया हूँ, मैं तुम्हें दीदी क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि बीवी के अलावा सारी लड़कियां मुझे भाई ही बोलती हैं। तो लड़के लोग, अबे चुप। एक राज की बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। एक समय था जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, उस समय एक कुछ भी बोलता रहता है, मैं बोलता सुन। शांति शांति, आजा आजा, बाहुबली विलन का टप्पा, तुम्हारे लिए मैं चचचा मैंगो और चॉकलेट खरीद के देता हूँ। चॉकलेट चॉकलेट, ये कैसे बच्चे की तरह बुला रहे हो? अब देखो मैं कैसे बुलाता हूँ, देखो मुझे। हाँ बुला बुला बुला। कंप्यूटर जी, त्रिशा विला फिल्म को मैं अपने दोस्तों के साथ देखना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे रे, आ जाओ। भूतिया फिल्म को 10 बार देखा है, आती हो क्या? आती हो क्या? आएगी नहीं, वादा करती। आ गई शांति दीदी, आ गई। चुप रे, मैं बोला। ये ज्यादा हसबत बात कर। अब तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। अबे छोड़ मुझे, मेरे पास ऐसे मतलब चुप चुप बैठे। अबे छोड़ ना, सामने आओ नहीं तो कुंवारे लड़की का श्राप तुम्हें लगेगा। शांति नहीं नहीं, अरे सुनो, मुझे बचाओ, रुक जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनो भाई, जल्दी से वो 3 लाख रुपए निकाल लो। उस मनी के पास तुम लोग ही जाकर के पैसे दे दो, हमें छोड़ दो यार। तुम लोगों की जान बचाने के लिए मैंने कितना रिस्क लिया है किसी को मत बताना, मैं चर्च का फादर हूँ, समझे? मेरे सगे फादर भी मेरे लिए ऐसा रिस्क लेंगे, मुझे नहीं पता फादर। हाँ, आप एक चर्च के फादर होके आपने मेरे लिए मदर टेरेसा जैसे आप फादर टेरेसा हैं। भगवान के मंदिर में सब लोग एक जैसे हैं। फादर आपका दिल बहुत बड़ा है, आपको रोम जाके पॉप फादर जैसा बनना चाहिए, आशीर्वाद टीवी में आप बार बार दिखने चाहिए। God bless you, my boy. चलता हूँ बच्चों। Father, 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 father. क्या पैसे? ओ, तुमको याद है क्या? ठीक है, I forget. बेटे, तुम्हारे 3 लाख रुपए में से
3725 रुपए कम होंगे। थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा। क्यों फादर, ड्रेस खरीद लिया क्या? भगवान के मंदिर में सब लोग ताने ताने ताने। अब मैं चलता हूँ चलता हूँ, प्रभु परमेश्वर की लीला। अबे सुन, अब ये 3500 रुपए कहाँ से आएंगे? वो सारे पैसे गिनने वाले थोड़ी हैं ना, मैं संभाल लेता हूँ, चल। अबे मेरी गाड़ी को यहाँ कैसे बेगानों की तरह खड़ी कर दिया यार। तेरी शादी प्रिया के साथ होगी तब ये कार तेरी होगी, शादी रुक गई तो मनहूस। हे आई वाज जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। हे इतनी रात को अंदर म्यूजिक कैसा बज रहा है? एलिना एंड्रिया अंदर नाच रही होंगी। एलिना 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 के साथ जैक्सन नाच रहे हैं। hey, जैक्सन तो कब का मर चुका है। एक गाना खत्म हो गया, अब दूसरा गाना बजेगा देखो। डार्लिंग गो आई जस्ट कम। सर आपने डांस क्यों रोक दिया, देखने में मजा आ रहा था, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए ना। सर गोवा में रहने से दो फायदा है, जितना मन चाहे उतनी दारू पी, और दूसरा किसी भी गोरी लड़की को सेट करके रात भर डांस करो। रुपए कहाँ? सर आपने जितना बोला था सारे पैसे इस बैग में हैं सर। थैंक यू सर, आपने बिना गिने रख लिए, पैसे तो गिन लीजिए। सर 3500 रुपए कम है सर इसमें, इतने पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरी जान कान से निकल गई सर। सर छोटा सा अमाउंट है सर, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी शादी के बाद मेरी शादी होगी और मैं बैचलर पार्टी करने के लिए गोवा आऊंगा, तब मुझे आप पकड़ लेना और बाकी के पैसे ले लेना, आप तो ठीक है। तुम्हारे मुंह को देखने से लगता नहीं कि शादी होगी, ऐसा रिस्क मैं कभी नहीं उठाता। ये लो चाबी। थैंक यू सो मच सर। डिक्की खोल कर एक बोतल वोडका देकर जाना, समझ गया? हाय डार्लिंग, यस सेनोरिटा। बोतल भी गई। ए तेरा मुंह क्यों लटका है? मैं कभी भी लव में और लाइफ में नहीं जी सकता। अबे मुंह बंद कर अपना। नैंसी। कबीर अपने प्यार से मिलकर आ जा, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है, उसे थैंक्स बोलकर आ जाना। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, थैंक्स नैंसी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो। कबीर जब भी मिलते हो लगता है सोकर उठे हो, कम से कम अपनी शादी में ऐसे मत जाना। यहाँ बगल में एक रॉयल सलून है, कम से कम वहाँ जाकर फेशियल तो करा लेना। अभी आई लव यू नैंसी। व्हाट? आई लव यू सो मच नैंसी। भास्कर बहन, तुमने मुझे बुलाया? एक मिनट, मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगा? चुपचाप यहाँ आओ। बोलो नैंसी। अभी टाइम क्या हुआ है? 6:37 AM। मुहूर्त कब का है? 9:30 AM। लेकिन सुहागरात कभी भी रख सकते हैं, सब पंडित ने कहा है। मुंह बंद कर। नहीं नैंसी, तुम नहीं जानती, जिससे मेरी शादी हो रही है उसको मेरे से ज्यादा अपनी कार की चिंता है। उस लड़की से ज्यादा सेल्फिश लड़की मैंने कभी नहीं देखी, वो मुझे पसंद नहीं है नैंसी, मैं ये शादी कैंसिल करने जा रहा हूँ। भास्कर रात की पार्टी कितने बजे खत्म हुई थी? स्मेल आ रही है नैंसी। मैं नशे में नहीं हूँ, पूरे होश में बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा से माफी मांग लूंगा नैंसी, मेरा पूरा परिवार क्रिश्चियन बन जाएगा। अरे ये भी बन जाएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नैंसी, प्रिया से नहीं करना चाहता नैंसी। भास्कर मुझे इसकी तरह गंदी गंदी गालियाँ देनी नहीं आती हैं, लेकिन अभी मन कर रहा है कि इसे खींच कर एक लगा दूं, पर हाथ में दर्द होगा। तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक। हाथ जोड़ती हूँ, इसे ले जाओ। देख भाई, लड़की से मार खाने से अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। चलो चलते। ये छोड़ना, उसके साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि इससे मैं मार खा लूं। ठीक है, दोस्ती कर लो। नैंसी मान जाओ ना, नैंसी मेरी बात सुनो नैंसी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैंसी, नैंसी, नैंसी। कबीर मैं अभी अभी चर्च में प्रेयर करके आ रही हूँ, अब से तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ नैंसी। तो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है नैंसी, मैं जाता हूँ, चलना। हाँ लेकिन एक बात सुन लो, मैं प्रिया के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता, ऐसा मेरा मन कह रहा है। अगर उससे मेरा डिवोर्स हो गया तो तुम मुझे अपना लोगी ना? हे मैं कोई स्टेफनी हूँ क्या, जो मुझे ऑप्शन में रखा हुआ है? हे भास्कर ये क्या बकरा है, इसे लेकर जाओ यहाँ से। ठीक है लेकर जाता हूँ नैंसी, चल मेरे भाई, चल। मैं तो चॉकलेट खरीद के दूँ, चल मेरे साथ। अरे मान जाओ मेरे भाई, चल 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 चल। मैं उसके बाद तुम्हारा इंतजार करूँगा। अरे मजाक मत कर, चल ना यार।
हम जैसा लाइफ में चाहते हमेशा उस तरह से नहीं होता। अभी हमें पैसों की जरूरत है तो ये पता तो है, बात को समझ, लाइफ हैज टू मूव ऑन। कोई ऑप्शन नहीं है, प्रिया से शादी कर ले। प्रिया थैंक गॉड, एक्सीडेंट का नाम सुनते ही मैं इतना डर गई थी पता है। अच्छा हुआ मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, टोटल कितना खर्चा हुआ? 3 लाख रुपए हुए, वो भी मेरे दोस्तों ने दिए। वो नहीं, गाड़ी की सर्विसिंग के लिए कितना खर्चा हुआ? 3,500 रुपए। अच्छा बिल कहाँ है? इंश्योरेंस क्लेम करना है। यहाँ आने की जल्दी में बिल लेना भूल गया। आगे से कभी भी सर्विस कराओ तो बिल जरूर लेना कभी, ओके? अच्छा अब मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? कभी तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है ना? आई यू ओके? मुझे क्या होगा, दिखने में तो ठीक लग रहा हूँ ना। इट्स अ लेसन फॉर यू, आगे से फिर कभी भी जल्दबाजी मत करना, ओके? जल्दबाजी ना हो इसलिए 10 महीने में बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या? पंडित जी वेट कर रहे हैं, चलो। नमस्ते। ओह थैंक यू। हे कबीर, मणि अंकल। कौन मणि अंकल? हाय। मिस्टर मणि, ये यहाँ क्यों आ गया? तुम इसे कैसे जानती हो बताओ ना। मणि अंकल को मैं कैसे जानती हूँ ये पूछ रहे हो? हेलो, ही इज मिस्टर मणि, मेरे पापा के कजिन ब्रदर, उनके जैसा सिंसियर ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर तुम्हें और कहीं नहीं देखने मिलेगा। अब चलिए। सच अ जेम ऑफ अ पर्सन कभी, वो मेरे रोल मॉडल है, गॉड फादर है, सब कुछ है। आप अंदर जाइए, मुझे वो बहुत पसंद है कभी। चलो इंट्रोड्यूस करवाती हूं। भैया फर्स्ट नाइट के बाद इंट्रोड्यूस कर लेंगे ना। फर्स्ट नाइट का इसके साथ क्या संबंध है? चलो। ये दामाद जी के दादा। नमस्ते जी। प्रिया मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? एक बार मिल तो लो। प्रिया सुनो ना, प्रिया प्लीज प्रिया, अरे यार यहीं पे हो जाएगी। ओह डिस्गस्टिंग, जाओ अभी। थैंक यू। क्या कर रहे हो? हाय अंकल। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे कुमार कैसे हो बेटा? मैं अपनी शादी में अरे अरे क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ से आ गया? मैंने तुझे सारे पैसे भी दे दिए, 3,500 रुपए भी नहीं छोड़ेगा क्या ये? सर 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 सर, मैं तो बाथरूम यूज करने के लिए आया था। तो गोवा में पोस्टेड है, यहाँ कैसे आ गए? आप प्रिया के रिश्तेदार हैं, आप मेरी शादी में आएंगे, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था सर। प्लीज सर, प्रिया की कार में जो दारू वाला मैटर हुआ उसे मत बताइएगा सर, मैंने उसे एक्सीडेंट बताया है, इसलिए यहाँ पहुँचने में मुझे देर हो गई, प्रिया यही जानती है सर। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो FM रेडियो की तरह सबके सामने मेरी बदनामी करती रहेगी सर। ऐसे क्या देख रहे हैं सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर थोड़ा सा पीछे जाओ। क्यों सर? 2 स्टेप पीछे जाओ, बताता हूँ। अरे सर आप रो रहे हैं सर, ये क्या है सर? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप सर, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? क्या हुआ सर, आप छोटे बच्चों की तरह फूट फूट के क्यों रो रहे हैं सर? कुछ नहीं रे, वहाँ गोवा में एक वाइट लेडी के साथ तुमने मुझे देखा ना? हाँ सर, क्या लग रही थी? एंजेलिना जूली? अरे वो एंजेलिना जूली नहीं रे, वो मिस गोवा थी। क्या? वो मिस गोवा थी? सर नाम से तो उसका फिगर मैच नहीं कर रहा है। तुमने जो देखा वो सच नहीं था। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये सब प्रिया को मत बताना प्लीज। तुम्हारे कहे अनुसार वो FM रेडियो है। हाँ? इस बात को वो लोगों में फैला देगी, ये बात उसे बोलना मत, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बात उसे पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी डेंजर है। अरे तू उसके बारे में नहीं जानता, वो केवल दिखने में ही सीधी साधी पहलवान लगती है लेकिन असल में वो एक लेडी मार्क एंथोनी है।
पिछली बार जब मुझे एक लड़की के साथ देखी थी तब मेरी बहुत पिटाई की थी। जब व्हाइट लेडी के बारे में जानेगी तो पब्लिक में दौड़ा दौड़ा के मुझे मारेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, उससे कुछ मत कहना। सर नहीं बोलूंगा, सर कुछ नहीं बोलूंगा उसे। फर्स्ट नाइट में कोई दूसरा टॉपिक ना मिले तो मेरा टॉपिक शुरू मत कर देना। फर्स्ट नाइट में बात कौन करता है सर, मैं तो सीधा। हाँ तो मिस्टर मनी, 3 लाख रुपए मुझे कब? उसके लिए कोई दूसरा मिलेगा तो मैं फॉरेन ट्रांसफर कर दूंगा। दोनों ये डील पक्का कर लेते हैं। डील डन हो गई। गोवा में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ आप उसे नहीं बताएंगे? भूल कर भी नहीं बताऊंगा। और उसी गोवा में जो कुछ आपके साथ हुआ मैं भी वो नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा ना? नो। सच में? प्रॉमिस। मदर प्रॉमिस। मदर प्रॉमिस। देखिए टीका भी लगा दिया। थैंक गॉड। सर क्या है? सर गेस्ट हाउस में आकर मैंने जो आपको पैसे दिए और आप वहाँ जो मिस गोवा के साथ डांस कर रहे थे सबका वीडियो मेरे दोस्त के पास है सर। वीडियो बना दिया? अबे ये क्यों बनाया? क्यों बनाया? अगर इसने कभी हमें धमकी दी तो मैं इसका वीडियो फ्यूचर में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब में डाल देगा? ये अचानक बॉम्ब क्यों फोड़ रहा है? मेरी बीवी मेरी इज्जत निकाल देगी, नौकरी चली जाएगी, मुझे भी जेल जाना होगा। ए, मुझे इंडियन टॉयलेट की आदत नहीं है। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन नहीं हूँ तो क्या करूँ, उसने मेरी वीडियो बना कर रखा है। सर उसने जो भी वीडियो बनाए हैं उसको मैं अपने फोन पे मंगा लेता हूँ और उसे बोलता हूँ कि वो सारे वीडियो डिलीट कर दे। अब ठीक है ना? क्या सच में वो मान जाएगा? अरे मान जाएगा सर, वो मेरा गुलाम है। तो अभी फोन लगाओ, स्पीकर स्पीकर में डालो, स्पीकर में बात करो। ए भास्कर अभी 14 राउंड पी रहा हूँ, इतने में तूने फोन क्यों अबे किया? बात सुन यार, मैं तेरी शादी में ले आऊंगा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ। अरे बोल, बोल रहा हूँ ना। ए भास्कर तूने गेस्ट हाउस पे मिस्टर मनी का वीडियो बनाया था ना? हाँ बनाया था। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो स्टूडियो का वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर दे और तू डिलीट कर। मेरी खुशी तुझे पसंद है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन, जो भी वीडियो तूने बनाया है वो वीडियो मुझे भेज और अपने फोन से डिलीट कर दे। ओके अभी तुरंत भेजता हूँ। हाँ ओके। वो भेज देगा ना? सर वो भेज देगा सर, अभी आ जाएगा। लेकिन वो नशे में बोल रहा था। सर देखिए डिलीट। सर सर टेंशन मत लीजिए सर, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है इसलिए कोई बुलाने आया होगा सर। सर गोवा में कुछ नहीं हुआ, ऐसी हमें एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, ये सब तेरी वजह से हुआ है, जाके दरवाजा खोलो। भैया आओ ना, क्या हुआ? सर से बात करने में इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, शादी का भी तो मुहूर्त निकल रहा है। सर इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन यू नो। ऐसा है क्या? हाँ। तू ऐसे क्यों देख रही है, मूंछ नहीं है? अरे फिर से रख लेंगे, बचपन से मेरी मूंछ देख के बहुत खुश होती है। नमस्ते नमस्ते आंटी, सर तो आपकी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहते आंटी। थोड़ा टिप्स दे रहा था। तुम्हें क्या हो गया, पेट खराब है क्या? घर में मुझ जैसी बीवी होते हुए भी दूसरी औरत की जरूरत पड़ गई? ए, ये सब क्या हो रहा है? तेरी तो तूने उसको रखा कैसे? क्या देख रहे हो, यहाँ शूटिंग थोड़ी हो रही है। अरे मुझे बताओ, मुझे बताओ। रुक जाइए, पुलिस की बीवी है तो क्या पुलिस पे हाथ उठाएंगी? पूछो पुलिस को ही नहीं तुझे भी मार रहे हैं। अरे अरे प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मुझे फंसा रहा है, शरीफों से नाटक करते हो? चलो मेरे साथ बाहर चलो, इज्जत उतारती हूँ मैं आपकी। चलो चलो, मुझे गांव वालों के सामने पोल घोलती हूँ आपकी। चलो बराबर सबक सिखाना, चलो छोड़ना मत। क्या हुआ प्रिया, आंटी अंकल के साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रही थी? मनी अंकल इतने नीचे गिरे हुए आदमी होंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मुझे उन पर कितना भरोसा था कबीर। क्या किया उन्होंने? उनकी गर्लफ्रेंड है कबीर। गर्लफ्रेंड? और वो भी पता एक वाइट लेडी। वाइट लेडी? मम्मी लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अभी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है? होशियार रहना होशियार रहना, कह के मेरी ही बैंड बजा दी उसने। हे भगवान। हेलो तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? नहीं दुनिया में किस पे भरोसा करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। तुम ये सब दिल पे मत लो, फिलहाल ये सब भूल जाओ, अब टाइम हो गया है ना, चलो चलते हैं। हे कबीर व्हाट्सएप पे वीडियो आया, देखो एक बार, देखो तो प्लीज देखो तो। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ क्या हो रहा है? लो पकड़ो।
मेरी शादी उससे तो जरूर हो रही है, लेकिन मैं प्यार जिंदगी भर तू ही से करूंगा। होशियार रहो होशियार रहो, ऐसा कह के मेरी ही बैंड बजा दी इसने। देखा ना, ठीक है। ए प्रिया, इस वीडियो को देखो, शादी के बाद में देख। देखो ना, अब मैं कैसे देख सकती हूँ। पकड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मैं प्रिया के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। अगर उससे मेरा डिवोर्स हो गया तो तुम मुझे अपनाओगी ना? ढोल बजाइए, ढोल बजाइए। हाँ हाँ, जल्दी दो, जल्दी दो। क्या हुआ? बजाते रहिए, ढोल बजाइए, ढोल बजाइए। क्या हुआ प्रिया? शादी हो गई तो डिवोर्स दे दोगे? शादी ही नहीं। अरे ये वीडियो किसी ने एडिट करके। शादी कैंसिल कबीर। प्रिया मेरी बात सुनो प्रिया। यू आर सच ए लूजर कबीर। ए, क्या है बेटा ये सब? ये भी मुझे छोड़ के चली गई पापा। बेटा इन जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, इन लोगों को जेल भेज देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जी से मैं विनती करती हूँ कि मेरे मामले में वो जरा गौर करें और मुझे न्याय दिलाने के लिए वो अपना फैसला सुनाएं। मैडम आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी माँ ने तो बहुत समझाया था कि इस लड़के से शादी मत कर, लेकिन मैं ही नहीं मानी, प्यार में शादी कर ली। कौन है रे तू, मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? मैंने क्या गलत किया? आरसी बुक नहीं है, लाइसेंस नहीं है, नाखून नहीं काटा, चप्पल नहीं पहने हैं, ये सोचकर थोड़ी मीटर डाला, दोनों को अपहरण किया, तो प्यार से रिश्वत मांगा था, सब लोग जो कर रहे थे वही मैंने भी किया, ऐसे बीच रोड में लाकर खड़ा कर दिया, वहाँ बर्बाद कर दिया। सर आप गोवा में जो उस गोरी लेडी के साथ वनडे मैच खेल रहे थे ना, उसका वीडियो आपने व्हाट्सएप पे मंगाया था ना, उसने उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग हैं उसमें? 256 लोग हैं सर, उसके बाद किसी को अलाउड नहीं है सर। 256 लोग? देखो वहाँ मेरी बीवी को, कल जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 24, सारे चैनल्स में मेरे नाम के साथ ये न्यूज फैल जाएगा। कोट सूट पहनकर खाकी वर्दी में गोरी लड़की के साथ मेरी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ, तुम्हारी ये शादी इसी वक्त टूट जाएगी। सर ऑलरेडी टूट चुकी है सर, सुबह मैंने जो वनडे मैच खेला था उसे उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे बगैर मुझसे पूछे डाल दिया, उससे मेरी शादी कैंसिल हो गई। हो गया क्या? मैं कोई कमजोर औरत? अरे कौन है, कहाँ मिलेगा मुझे? मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ सर। एक गमछे, ये कैटरिंग वाले लोगों को बदल दो, दारू पीने के लिए चकना मांगा तो नहीं है, जलेबी पूछा तो वो भी नहीं है, तेरा दोस्त मुझको चकना नहीं देता, पहले उसे जाकर पूछो, तुम बोलो उसे। अरे भाई ये तो मनी जैसा दिख रहा है, मनी है। ए तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर लेगा तू हमारा, बता मुझे। एक बात तो है, ये डांस बहुत अच्छा करता है, अब मुझे बता कि तू कौन से गाने पे डांस करेगा, इस पे या उस पे? उंगली पकड़ ले, एक काम करो, एक तो पकड़ ले, एक पकड़ ले, मुझे मारिए सर। ओ माय गॉड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जल्दी से जाकर मेरे सर से मिलो। हे, तुम जैसे लोग हमेशा परेशान करते हैं, कहाँ है तुम्हारे सर? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वहाँ जो खड़े हैं मेरे सर को देखो। सर बिल्डअप ओवर, आप पलट सकते हो। शर्ट के बटन खोलकर एयरपोर्ट में आना, लंबी दाढ़ी रखकर फ्लाइट में चढ़ना, कम उम्र में अब्रॉड काम करने जाना, सेक्शन 18 लगा के 36 केस बना दूंगा, तेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, तेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ब्लॉक कर दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। सर तुम्हें अरेस्ट करने जा रहे हैं, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं। हेलो, आई नो इंग्लिश, यू बोथ टॉकिंग रबिश रबिश रबिश, आई कीप साइलेंस साइलेंस साइलेंस। हे हु आर यू मैन? कार्तिक कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, भारत सरकार। क्या कार्तिक कुमार, नाम तो पुलिस की जॉब से नहीं मैच कर रहा है। क्या रे, दबंग वन, दबंग टू, सिंघम वन और सिंघम टू में जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही मेरे जैसे कार्तिक, महेश, सुरेश और राजेश, ये लोग भी पुलिस वाले बन सकते हैं ना, तेरे पास अकल बहुत कम है। नाम तो छोड़ ही दीजिए सर, दिखने में भी आप पुलिस जैसे नहीं लग रहे हो। तू दिखने में बिल्कुल चूजे की तरह है। कांस्टेबल इसका बैग चेक करो, देखो दारू की बॉटल्स तो अंदर नहीं है। मैंने माला पहन रखी है, दारू को छूऊंगा नहीं। कब सुधरेगा?
अब मैं इस चूजे को कैसे समझाऊं? अरे चूजे, छोटे बाल कटवा कर, लंबी मूछ रख और सीना चौड़ा करके चलने वाले क्या पुलिस वाले होते हैं? अरे यार, मैं भी किसको समझा रहा हूँ? सर सर, सॉरी सर, बात करके सुलझा लेते हैं। समझौता कैसे करिए, पंचायत थोड़ी है ना। कांस्टेबल सर, आपको तो तोता ले आऊं क्या? तू इसकी ही लायक सर। अरे बाप रे, तू वैसा है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ये सब ठीक नहीं है, हमारे देश लीगल है। भगवान से डरो यार। सर कितना चाहिए आपको, बताइए ना सर, मैं देने को तैयार हूँ। 50 तोला सोना, 10 लाख रुपया और एक चमचमाती हुई लंबी सी गाड़ी। शादी का खर्चा तुम्हारा। छोड़ना, क्या समझ रखा है खुद को? सुबह से मजाक उड़ाने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? लड़कियां मेरे से नहीं पढ़ती, लेकिन आज ये समझ में आया कि पुलिस की भी मेरे से नहीं पढ़ती। कहाँ भाग रहा है, यहीं खड़े रहे। छत पर ऐसे धमाके होते ही रहते हैं। कांस्टेबल बताओ इसको यार। जयपुर की उड़ान भरते समय पुल की छत गिरने से एक आदमी घायल हो गया है। और वो एक आदमी मैं ही हूँ। नमस्ते सर, है हमारे फेमस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और ये है कुवारा ग्रुप के एडमिन। आखिर तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे जीने देगा या नहीं? बोल ना। प्लीज काम डाउन। अगर आप बालाजी के फ्रेंड हैं, मतलब मेरे भी फ्रेंड हैं। इसने ही मुझे फोन करके तुम्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोकने को कहा था। हे, तू कब मरेगा रे, और मेरी शादी कब होगी? तुम देश छोड़कर जा रहे हो, मैंने ये नैन्सी को बताया, वो आ रही है। क्या बोल रहा है तू? नैन्सी मुझसे मिलने यहाँ आ रही है? अरे ये म्यूजिक कैसा बज रहा है? नैन्सी ब्रदर, आप आई लव यू बोल के लड़की के साथ गले मिलो, हम सेल्फी स्टिक लेकर आते हैं, चल मेरे साथ। चलो हम चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ। ओह सॉरी।